शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। कृपादृग्वृष्टिसंहृष्ट दास दासे प्रिय सुनो बात। तिहारे दरस के कारण मैं तजे मात अरुतात। और न कछु सुहात है मोहे अष्ट प्रहर निसिप्रात। ये ही ध्यान हृदय धरो मुपे रहो नाहिन जात। रंक मोहि जिय जानि के प्रभु देहु दरस को दान। गोविंद को कृपा करी करे त्यारे गुण गान। कृपा दृग्वृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रिय सुनो बात। पति तो तुम ही हो महाराज, लोक वेद मर जाद तजी हम श्रीमुख दर्शन काज। तीन भुवन में तिहारी पटुता पावत नाहिन कोई। तिहारी कृपा कटाक्ष वृष्टि ते सो व्रजपति प्रिय होई। गोद पसारी करत हों बिनती अब के मोहि उद्धारो। ए
एक बेर करुणा करके कहो गोविंद रंक हमारो। पतितो तुम ही हो महाराज, रोषद्रुक्पात संप्लुष्ट भक्त द्विट मेरे मन बसो। काम तज्यो क्रोध तज्यो लोभ तज्यो मोह तज्यो। मत्सर तजी शरण आयो अब इत उत मत राखो। सब साधन हीन तुम सब कला प्रवीण, रंक जानि मोहि कछुक कृपा कीजे। कलियुग में सुनियत है षट साधन नष्ट भय, ताते कछु होत नाही अभय दान दीजे। तुम तो हो महा उदार शरणागत रक्ष पाल, करुणा कर कलिजुग में खंजो साजो कीनो। निसेवासर सज्जन संग करि समाज सुजस गान, करत गोविंद प्रभु जन मन रहत है रस भीनो। रोषद्रुक्पात संप्लुष्ट भक्त द्विट मेरे मन बसो। कल ब्रेन की जो नई न्यूरोलॉजिकल रिसर्च भई वहाँ में ब्रेन डैमेज होने पे क्या हुआ है और जो थेरेपी है साइकोएनालिसिस की वो ईश्वर को माने कि नहीं माने पर फेथ को कैसे
फेथ की कैसे थेरेप्टिकल वैल्यू माने हैं वो अपन ने देखे फ्रॉयड के तहत, साथ साथ हेनरी क्ले के वहाँ में अपन ने वो एसोसिएशन के सारे देखे के ब्रेन को जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन है वो यही तरह से बनाया गया है कि सीक एंड अवॉइड। तो जहाँ सीक एंड अवॉइड को कॉन्स्टिट्यूशन यदि ब्रेन को हो तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ में जा तरह की अपन श्रद्धा रति भक्ति निरोध की बात कर रहे हैं वहाँ सीक और अवॉइड को प्रिंसिपल नहीं है, सीक को ही प्रिंसिपल है। और बल्कि सीख को भी जा सीख से भी ज़्यादा आगे बढ़े हुए प्रिंसिपल है। तो या तो ब्रेन में कोई मैंने बताया कि जैसे वरण की चिप बैठे तो वो या को कॉप अप कर सके ये पूरी इंटीग्रेटेड सिस्टम को, अथवा तो फिर डैमेज हो तो कर सके, अदरवाइज तो कर नहीं सके, ये बात बताई। साथ साथ जुंगियन साइकोलॉजी के आधार पर मैंने ये भी बताने की कोशिश करी कि फ्रायड से अलग थोड़ी वाने कॉन्शियसनेस की व्याख्या करी और वो ईगो और कॉन्शियसनेस और फिर पर्सनल अनकॉन्शियसनेस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर्सन क्या क्या तो और फिर कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस और वो ऐसी कि जहाँ में अपन को इंटरेक्ट कर सकें और ऐसी कॉन्शियसनेस के जाके साथ अपन इंटरेक्ट नहीं कर सकें कभी भी, वो सब बात बताई। और साथ में वहाँ को मुख्य बात यह थी पर्सनल अनकॉन्शियसनेस कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, फिर ऐसी कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के जाके साथ अपने को पर्सनल अवेयरनेस पॉसिबल नहीं है। तो ये सब बात मैंने मूल में या लिए बताई कि अपने यहाँ भी जुंग को ऐसा कहने को मतलब है ये नहीं, पर क्योंकि जुंग को एक बड़ा भारी सिद्धांत है कि रिलीजियस फेथ जो है वो गिफ्ट है, ग्रेस ग्रेस के कारण रिलीजियस फेथ आदमी के भीतर पैदा हुआ है। तो बहुत बड़ी बात है, अपन भी कृपासु श्रद्धा की उत्पत्ति की कृपा दृष्टि समृष्टि की बात कर रहे हैं। साथ साथ ईगो की तो अपन अभी छोड़ दें, अपन ने बहुत विवेचना की, पर पर्सनल कॉन्शियसनेस और पर्सनल अनकॉन्शियसनेस और कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस इनके तहत अपन ने थोड़ा ये देखने को प्रयास कियो कि अपने यहाँ जो या पूरी की सिस्टम बताई है वह में श्रद्धा रति और भक्ति और निरोध, तो वहाँ में जो बीज भाव है वो अपने यहाँ भी लगभग वही तरीके को है, गूढ़ पर्सनल अवेयरनेस जाकि पॉसिबल नहीं हो सके, ऐसे कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है ये बीज भाव को जो अपना है। जब अपन भाव कह रहे हैं तो आप समझ सको बात कि कोई भाव है, भाव तो जड़ को नहीं हुए चेतन को हुए, चेतना में भाव हुए, पर चेतना में होते हुए भी बीज भाव के बारे में अवेयरनेस पॉसिबल नहीं हुए है। बीज भाव को कोई मैंने कल एक बात और बताई थी आपको कि बीज भाव जो है वो उपदेश नहीं हुए है, बीज भाव को जो है गए वक्त मैंने वो सिद्ध साधन और साध्य साधन की बात बताई थी, वो जिनको याद होए तो उनको ख्याल होएगो कि बीज भाव जो है वो सिद्ध साधन है साध्य साधन नहीं है। सिमिलरली आत्मरति भी सिद्ध साधन है साध्य साधन नहीं है। वापे वाकु अपन जो हैं वो प्रकट कर सकें, वाकु अपन जो हैं वो थोड़ी अंकुरित कर सकें, पल्लवित कर सकें, पुष्पित कर सकें, फलित कर सकें, वो सारी बातें मैंने बताई। तो ये बहुत सारी बातें कलेक्टिव अनकॉन्शियस लेवल पे काम कर रही हैं। और पर्सनल अनकॉन्शियसनेस एक बात खास ध्यान देने की बात है कि मैं या को कंटिन्यूसली इंटीग्रेटेड एक सिस्टम बता रहे हूँ, वह को मूल कारण
मैं आपको बता दूं कि जैसे प्रवचन के शुरुआत में मैंने एक बात बताई थी कि वल्लभ पंथी कैसे मिसइंटरप्रेट करें, तो वह संदर्भ में आप देखोगे तो पता चलेगा कि इवन महाप्रभु जी भी पुष्टि बीज भाव को स्थापित नहीं कर सके हैं, पुष्टि बीज भाव होए तो वह को वर्धन कर सके हैं। और ये अपन 84 वैष्णव की वार्ता पढ़ें तो अपने को स्पष्ट आवे के तेरो अधिकार भक्ति को नहीं हताते तो को ब्रह्म संबंध ना ही दे तू। तो ये बात देखो कि महाप्रभु जी साक्षात भगवान मुखारविंद रूप हैं, स्वामी जी भी भगवान की आत्मरति रूपा हैं, यमुना जी भी को भी बहुत बड़ो रोल है पुष्टि मार्ग में। अपन ने श्रद्धा के वा में यमुना जी को देखने का प्रयास किया, रति के वा में राधा जी को देखने का प्रयास किया और भक्ति के वहाँ में महाप्रभु जी को देखने का प्रयास किया। तो इन तीनों को पुष्टि भक्ति को बीज भाव स्थापित करने में कोई रोल नहीं है, वर्धन में संरक्षण में और इन सब में इनको रोल है। तो यदि पुष्टि भक्त है जीव तो सिर्फ ठाकुर जी के वरण के कारण है, और वो वरण के कारण पुष्टि भक्त हुए है तो ये फिर अकॉर्डिंगली वाकु फिर प्रोसेस कर सके हैं। सीधी सी बात है। तो मुखारविंद को क्या रोल है, भगवान मुखारविंद को वो अपन समझ सकें। जुंगियन एनालिसिस के तहत मैंने आपको एक बात और बताई थी कि थिंकिंग फीलिंग सेंसेशन और इंट्यूशन है। तो ये बात ध्यान समझो कि फीलिंग जो है वो आत्मरति के ढंग से है, इंट्यूशन जो है वो श्रद्धा के तहत है, क्योंकि इंट्यूटिवली अपन कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर पावे हैं, इंट्यूटिवली अपन कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पावे हैं। महाप्रभु जी को आँखों जो रोल है वो थिंकिंग के लेवल को है, क्योंकि शास्त्र में अवगत्य मनोवाग देही कृष्ण सेव्य अतस्तु ब्रह्मवादे न कृष्ण बुद्धिर्वधि यताम, यों महाप्रभु जी आज्ञा करें एवं सर्वम ततः सर्वम सहित ज्ञान योग्यता यह भजे श्रवणा श्रवणादि विरुत्तमा वगैरह महाप्रभु जी आज्ञा करें। तो निरंतर महाप्रभु जी यह बात को एम्फेसाइज करें कि महात्म्य ज्ञान पूर्वक रति जो है वो भक्ति है, और महाप्रभु जी भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड हैं। तो भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड होने के कारण महाप्रभु जी वहाँ के साधनन के उपदेष्टा हैं। साधनत्व तो माने जैसे वहाँ यागादव भक्ति मार्ग ही का साधनत्व उपदेशक वगैरह वगैरह अनेक नामन में साधनोपदेशकता महाप्रभु जी की है, और वो साधनोपदेशकता महाप्रभु जी अपने भीतर इंट्यूटिवली रही भाई जो पुष्टि बीज को श्रद्धा को एलिमेंट है और आत्मरति को रहे भाई जो फीलिंग को एलिमेंट है, वह फीलिंग को महाप्रभु जी अपनी साधना प्रणाली से सेवा की कथा की समर्पण की शरणागति की उपदेश की साधना प्रणाली से वाकु जो है वो भक्ति में पूरा कल्विनेट करें। तो वो महाप्रभु जी को रोल है, और वाक्य कारण जब वक्त अपन ठाकुर जी अपने घर में पधरा में हैं वहाँ आपको सेंसेशन को रोल आ रही है जुंगियन जो माइंड को आखो। तो ये सब बातें मैंने आपको कल संक्षेप में बताई, अब कितनी आपके गले उतरी कि नहीं उतरी या कितनी कठिन लगी या कितनी झोंका खाने में गई या कितनी अकर्ण रसायन लगी वो सब तू जान और थारो राम जाने। पर आज को अपनो विषय वासु आगे बढ़ाने से पहले आज थोड़ी और डिफिकल्टियों कल से भी ज़्यादा वो मैं खुलासा कर दूँ। एक बात या मैं खास आज के जा तरह से अपन प्रसंग को चिंतन कर रहे हैं वहाँ में एक बात महत्वपूर्ण पहले भी मैंने आपको एक दो वक्त बताया तो या विद्वान के बारे में अपने भारत को एक बड़ो घनिष्ठ प्रेमी है तो अर्नोल्ड टॉयनबो टॉयनबी अर्नोल्ड टॉयनबी अर्नोल्ड अर्नोल्ड टॉयनबी सुनाई नहीं दे रहे हो
क्या हो गया? स्विच ऑफ तो नहीं है? भाई सुनाई दे रहे हो? तो ये अपनो भारत को बहुत ज्यादा प्रेमी है तो, और यह अर्नोल्ड टॉयनबी ने को एक जापान के एक बुद्ध विद्वान के साथ पूर्व संवाद की पुस्तक छपी थी काफी अरसा पहले। वह पुस्तक में अर्नोल्ड टॉयनबी ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही है, ऑब्जर्वेशन दियो है, और वह ऑब्जर्वेशन को इकेदा ने खंडन किया है। नॉर्मली इकेदा खंडन नहीं करे, दोनों को डायलॉग एक दूसरे के साथ टॉपिक को डेवलप करने में चले, मगर कुछ बात अर्नोल्ड टॉयनबी ने ऐसी कह दी कि इकेदा को खंडन करे बिना छुटका नहीं है, तो वह ने खंडन किया है। वो आपसी अर्नोल्ड टॉयनबी की और इकेदा की जो प्रस्तुति और खंडन सु अपनी आज की बात शुरू हो रही है, वो क्यों वो आपको बताऊंगा। अर्नोल्ड टॉयनबी खास मुख्यतया एक बात ऑब्जर्व कर रहे है, अब वो ये कहे कि द जुडियाक रिलीजन है कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द एलिमेंट ऑफ डिविनिटी इन द यूनिवर्स इनटू ओमनीपोटेंट क्रिएटर गॉड आउटसाइड द यूनिवर्स। वो क्या है, जितने भी जुडियाक रिलीजन है माने बाइबल से पैदा भय रिलीजन, उनके साथ एक तकलीफ है। अर्नोल्ड टॉयनबी कह है कि वो अपना ध्यान ईश्वर पे की दिव्यता पे रखे हैं, पर वो ईश्वर की दिव्यता ऐसी माने हैं कि जो दुनिया में मौजूद नहीं है, दुनिया के बाहर कहीं विद्यमान ईश्वर की दिव्यता पर ध्यान रखें। और अर्नोल्ड टॉयनबी को यह ख्याल है कि या के कारण सबसे बड़ा नुकसान क्या भयो है वो बतावे है, एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द डिविनिटी हैज डिप्राइव्ड नेचर और वो कहे कि वह ने ये जो डिविनिटी को दुनिया में नहीं स्वीकार के ऊपर कहीं स्वीकारने के कारण नेचर और ह्यूमन नेचर को डिप्राइव कियो गयो है, वंचित रखे गयो है। कायसु वंचित रखे गयो है, वो कहे सैंक्टिटी सु और डिग्निटी सु। ह्यूमन जो बाहर को नेचर है, यूनिवर्स को नेचर है, और या यूनिवर्स में जीने वाले जो ह्यूमन बीइंग है वह को नेचर है, वहाँ में ना तो कोई सेंटिटी है और ना कोई डिग्निटी है। बाइबल के जस्ट अपोजिट बात कर रहे हो, क्योंकि ये लोग बाइबलिकल रिलीजन यूँ माने कि ह्यूमन को डिग्निटी है और सेंटिटी भी कुछ है। सेंटिटी या अर्थ में कि द गॉड क्रिएटेड एडम आफ्टर हिज ओन इमेज, वो बहुत बड़ी वाकई सेंटिटी होती। और डिग्निटी बाइबल के हिसाब से ये है कि मनुष्य को भगवान ने अपनी आकृति के अनुरूप घड़े और अपनी आकृति के अनुरूप घड़े और वाकू स्वातंत्र दियो है, खुद को स्वातंत्र, खुद को विवेक, खुद को स्वातंत्र दियो है। जरूर लिमिटेड प्रपोर्शन में दियो है, एब्सोल्यूट स्वातंत्र नहीं दियो है, एब्सोल्यूट विवेक नहीं दियो है, पर थोड़ो भी दियो है। जैसे अपने यहाँ अपन क्या है कि आंशिक है, चेतना अंश है, और आनंदादि ऐश्वर्यादि धर्म भी अपने यहाँ आंशिक रूप से हैं या आवेश रूप से हैं। एग्जैक्ट वही बाइबलिकल प्रिंसिपल भी है कि स्वातंत्र और जो है वो विवेक वो आंशिक रूप से भगवान ने वाकु दियो है,
तो ये बहुत बड़ी वाकी डिग्निटी है जो दूसरे जानवरों को नहीं दी। और एक और डिग्निटी वाकी ये बाइबल के हिसाब से है कि ये आखिरी दुनिया भगवान ने मनुष्य के लिए बनाई है, तो यासु बड़ी तो डिग्निटी और क्या हो सके, कुछ भी नहीं हो सके कि आखिरी दुनिया अपने लिए है, यही लिए अपन हर जानवर को खा सकें, जानवर अपने को नहीं खा सके क्योंकि दुनिया अपने लिए बनी है, चांद तारा अपने लिए बने हैं, दिन सूरज अपने लिए बने हुए हैं दिन को उजाला रखने के लिए, ये पेड़ पौधा सब अपने लिए बने हैं, तो इन सब को अपन कर सकें। ये बाइबलिकल रिलीजन ने सेंक्टिटी और डिग्निटी दी है, पर अर्नोल्ड टोइनबीवा को डिनाई करना चाहे अपनी हिंदुस्तानी धर्म और संस्कृति को पक्ष लेने के लिए। मैं दोनों बात बता रही हूँ, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, यह बात को समझियो। मैं ना बाइबलिकल रिलीजन को खंडन कर रहे हूँ ना मंडन कर रहे हूँ, ना अर्नोल्ड टोइनबी को खंडन या मंडन करना चाह रहे हूँ, दोनों पहलू आपके सामने साफ तौर पर प्रस्तुत कर रहे हूँ। तो या लिए वो कहे कि वाक को वंचित रखे गए है, और वाक्य बाद अर्नोल्ड टोइनबी कहे कि बाय कॉन्ट्रास्ट इन इंडिया, ये जूडिया जो रिलीजन है इनके कॉन्ट्रास्ट में इंडिया में क्या भयो है, एंड ईस्ट एशिया सुवा को मतलब शिंतो ताओ और कन्फ्यूशियस ये सारे जो धर्म हैं उनके बारे में है ईस्ट एशिया सु। तो इन बाय कॉन्ट्रास्ट इन इंडिया एंड ईस्ट एशिया, देखो अपने भारत को कैसे प्रेमी है। एक बात और कह रहे हो, बिफोर द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्ट, क्योंकि अपने या भारत पे और ईस्ट एशिया पे यूरोपियन ने जीत लियो और अपनी संस्कृति के घूंटड़ाएं जबरदस्ती जैसे बच्चा को दवा पिला मैं ऐसे अपने को पिला दी, अब अपने यहाँ भी सब लोग वह पश्चिमी ढंग से ही सोचते हो गए, तो वो वाकई या बात की भी खबर है कि अब अपने यहाँ अब भारत में वो पद्धति नहीं रही है जो हती, पर ये जो अब पद्धति भारत में इंट्रोड्यूस भई है वेस्टर्न मॉडर्न कल्चर की और सिविलाइजेशन की, वाकई पहले या को ये प्रभाव पड़े हो, वाकई पहले वो कह रहे हो कि हिंदुस्तान और ईस्ट एशिया में क्या है, तो कि इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्ट वो कहे कैसो, व्हाइल यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इन इट इंक्लूडिंग ह्यूमन नेचर, मैन हिमसेल्फ वॉज डिवाइन एंड देयरफॉर पजेस्ड इन ह्यूमन आईज ए सैंक्टिटी एंड डिग्निटी दैट रिस्ट्रेन मैन्स इम्पल्स टू इंडल्ज इन हिज ग्रीड ऑफ, वो कहे के ग्रीड बाय डूइंग वायलेंस टू नॉन ह्यूमन नेचर। बहुत अच्छी बात कही है अर्नोल्ड ने, क्योंकि बाहरी जगत को डिग्निटी और सेंक्टिटी हती हिंदुस्तान और एशिया में, या के लिए मनुष्य ने अपने लोभ के कारण जो बाहरी जगत को साथ अत्याचार कियो है, वो अत्याचार हिंदुस्तान में कभी नहीं होतो, तो क्यों नहीं होतो, तो क्योंकि हर वन हमारे लिए पवित्र थे, हर पर्वत हमारे लिए पवित्र थे, हर नदी हमारे लिए पवित्र थी, हर सरोवर तालाब हमारे लिए तीर्थ थे, तो हम वायलेंट अपनी आवश्यकता के संतुष्टि के लिए ये जो बाहर को जो वर्ल्ड है यूनिवर्स है वाके ऊपर हम कभी अत्याचार हिंदुस्तानी लोगों ने कियो नहीं। ये अवतार की एग्जैक्ट यही थीम है, हो अर्नोल्ड टोइनबी भी पढ़े होएगा तो अवतार समझ में आ जाएगा। अवतार की एग्जैक्ट यही थीम है कि हमने कभी इन लोगों ने कभी अत्याचार नहीं कियो, जबकि जूडाइक रिलीजन के कारण क्योंकि बाहरी जगत को वो सैंक्टिटी और वो डिग्निटी इन्हें नहीं दी,
और अननेसेसरी मैन को इतनो समर्थ मान लियो, वाक्य कारण मनुष्य वहां को अत्याचारी हो गयो, ऐसे अर्नोल्ड टॉयनबी कह रहे हो। वहां पे इकेदा को थोड़ी मिर्ची लगी है, जापानीज बुद्धिस्ट स्कॉलर है, बहुत अच्छा स्कॉलर है वो भी। वहां ने आपको कही कि ठहरो, वेट अ मिनट, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहे हो। इकेदा कह रहे हो है, इंडीड इंस्टीड ऑफ डिवाइन डीटीज प्रेजेंस इन यूनिवर्स, द नॉन डिविनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ यूनिवर्स सीम्स टू बी मोर साइंटिफिक एंड रैशनल। ये भगवान को दुनिया में प्रेजेंट मानो, देवता को दुनिया में प्रेजेंट मानो, वाक्य बजाय वो कह रहे हो है कि नॉन डिविनिस्टिक माने अनाधिदैविक, अनाधिदैविक कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया को कॉन्स्टिट्यूशन ऐसो है जहां में अधिदेव की कोई अपेक्षा नहीं है। जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है वो मुझको ज्यादा साइंटिफिक और रैशनल लग रहे है। एंड देयरफॉर इकेदा कह रहे है, पेज खो गया मेरा, क्या कोई बात नहीं। तो वाक्य बाद वो इकेदा ये कह रहे हो कि या के लिए मुझको उचित ये लगे है कि दुनिया को जो घटन है, घड़न है, वाकु ऐसी सक्षम मानो, और हमारे बुद्ध धर्म की जो अहिंसा को सिद्धांत है वाकु स्वीकारो, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों बात से खुलासा हो जाए कि व्यर्थ में देवता को स्वीकारने की जरूरत नहीं पड़े दुनिया को आधिदैविक मानने की, और हिंसा को जो तुम बात कर रहे हो वाकु भी खुलासा हमारे बुद्ध धर्म में मिल जाए है, क्योंकि हमारा धर्म जो है बुद्ध धर्म ज़्यादा साइंटिफिक है और रैशनल है। या बात को अर्नोल्ड टॉयनबी ने जवाब देनो नहीं चाहे कि दे नहीं पायो, निश्चित नहीं पता चले, पर अर्नोल्ड टॉयनबी ने दूसरो प्रश्न छेड़ दियो, विषयांतर कर दियो। मैं शाखा संक्रमण नहीं कहूँगो, पर कुछ विषयांतर वाने कर दियो, और वो इंटरेस्टिंग विषयांतर किए वाने, पर अभी अपना वो विषय नहीं है। तो अपना विषय ये है कि अपने को आज ये समझना है कि ये श्रद्धा, ये रति और ये भक्ति, अपन ने जो जुंगियन साइकोलॉजी के टर्म में भी सोचो कि फेथ जो है वो गॉड की गिफ्ट है, गॉड की ग्रेस है, विसाविस या सिद्धांशु अपनो कैसे अपन डायलॉग एस्टेब्लिश करें, या कि जहां आधिदैविकता को स्वीकारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अहिंसक बनो, आधिदैविक मत बनो, आधिदैविकतावादी मत बनो, और विश्व को नियम ऐसा मानो कि जा नियम के कारण, जा नियमन को पालने से हिंसा की वृत्ति से अपन विरत हो सकें। ये इकेदा को मुख्य स्टैंड है।
उल्टा खैर वो कागज ही छूट गया मेरी नोट को वहाँ घर पे, मैं आपको ओरली बता दूँ। तो यह हमें समझने की एक मुख्य बात यह है कि बुद्ध भगवान के यहाँ दो बात कही गई हैं। एक तो फिलोसॉफी के लेवल पे उनके यहाँ आर्य सत्य की बात है, चत्वारी आर्य सच्चानी। आर्य सत्य क्या है? सबसे पहला सत्य एक है कि सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ दुख है, सब कुछ दुख है, सब कुछ क्षणिक है, मोमेंटरी है, सर्वम क्षणिकम, सब स्वलक्षण है। स्वलक्षण माने जो भी वस्तु है वहाँ में, कोई भी वस्तु में कुछ भी यूनिवर्सल कैरेक्टर नहीं है, हर वस्तु अपने आप में अपनों खुद एक इंस्टेंस है। जनरलाइजेशन कोई चीज़ को मत करो, जैसे ये माइक अपने आप में ये माइक है, अपने को ये लग रहे हो कि ये माइक और ये माइक एक जैसे हैं, बुद्ध भगवान ना पाल रहे हैं कि भ्रांति है। यूनिवर्सल कोई कैरेक्टर कुछ नहीं है, हर पर्टिकुलरिटी है, यूनिवर्सलिटी कहीं और कोई ऑब्जेक्ट में नहीं है। अब इन बातन को जा वक़्त अपन देखें, वह वक़्त बुद्ध भगवान के हैं कि यासु सर्वम शून्य, न कोई भीतर कुछ है न कुछ बाहर कुछ है, एक अनित्य वस्तु क्षणिक वस्तु की एक परंपरा चल रही है। जैसे नदी की धारा एक बह रही है, ऐसे बहती भई नदी की धारा, ऐसे अपनी ज्ञान की दो धाराएं बह रही हैं, एक में धारा में अपने को अपनो आत्म प्रत्यय हुआ है और एक में अपने को विषय को प्रत्यय हुआ है, ऐसे दो धाराएं बह रही हैं। दे डू नॉट शेयर विथ ईच अदर्स कैरेक्टर। जैसे जुंग कहते तो कि ईगो है, कॉन्शियसनेस है, बुद्ध भगवान को सिद्धांत यह है कि नहीं, ईगो एक है, डेफिनेटली है, पर ईगो के कॉरस्पॉन्डिंग कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस खुद एक फ्लक्स है। फ्लक्स को मतलब क्या एग्जैक्टली? जैसे घड़ियाल को चलते डिजिटल घड़ियाल चल रही है, वो आप अपने को टाइम बता रही है, टाइम बता रही है, वह बताने के टाइम बताने की एक वहाँ में क्रिया चल रही है, वाह के अलावा वह और कुछ भी नहीं है। वहाँ में तुम एक दो तीन चार देखने जाओगे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, या लिए सब शून्य। सब शून्य है तब क्या करना? अब देखो ध्यान से समझो, शून्य की परिभाषा बुद्ध भगवान के हिसाब से यह है कि शून्य क्या जीवन है, मैंने अपने जीवन के लाइफ को जो कैरेक्टर है वह कैरेक्टर को शून्य, या शून्य कोई मरण है। बुद्ध भगवान कहे कि शून्य जो है वासु मतलब मेरो ना जीवन है ना मेरो मतलब मरण है। अपन क्या है कि देखो ध्यान से समझो, अपन जी रहे हैं, अपने को कोई यो कहे कि शून्य है अपन, तो अपने को क्या लगेगा कि क्या हम मर गए हैं क्या? अपने को मरे भय शून्य लगे। बुद्ध भगवान का सिद्धांत यह है कि शून्य वस्तुतः न तो जीवन है न तो मरण है, क्योंकि जीवन मरण अपने आप में या तरीके के दो कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। जीवन है तो मरण है, मरण के रिलेशन में कोई चीज जीवन है। यदि एक चीज को अपन ने गिरा दी, मैंने जीवन नहीं है तो मरण भी नहीं है, मरण नहीं है तो
जीवन भी नहीं है। जैसे उत्पत्ति है तो नाश है, नाश है तो उत्पत्ति है, उत्पत्ति नहीं है तो नाश कहाँ से होएगा, और नाश ही नहीं है तो उत्पत्ति कहाँ से होएगी। तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट होने के कारण दोनों नहीं हैं, पर दोनों के इंस्टेंस हैं क्षणिक। इन दोनों के तत्व कुछ भी नहीं है, माने एक बात समझो कि एसेंस कुछ भी नहीं है, इवेंट बहुत सारी हैं। एसेंस कुछ भी नहीं है, इवेंट बहुत सारी हैं। ये बात आज की तारीख में बहुत सारे रैशनलिस्टन को और साइंटिस्टन को बहुत अपीलिंग लगे है। वाको कारण देखो मैं समझाऊं। जैसे जितने भी तत्व हते, रूप रस गंध स्पर्श शब्द वगैरह के, मैटर के, उन सब को डिजिटल कन्वर्शन हो सके है कि नहीं? डिजिट अपने आप में एक है कि अनेक है? इंस्टेंट वाइज अनेक डिजिट्स हैं। रंग की व्याख्या आप डिजिट में कर सको हो, साउंड की व्याख्या डिजिट में कर सको, स्मेल की व्याख्या डिजिट में कर सको, हर डिजिट अपने आप में एक इंस्टेंस है। मगर वह डिजिट सु प्रकट हो तो, अब जैसे यहां में ये जो पर्पल कलर दिख रहे हो है, ये रंग है नहीं, कुछ डिजिटल फंक्शन है, रंग कुछ भी नहीं है। ऐसे जो भी साउंड प्रकट हो रहे हो है, इन सब में अपन देख रहे हैं, साउंड प्रकट हो रहे हो है, रूप प्रकट हो रहे हो है, कुछ दिन बाद स्वाद और गंध भी प्रकट होने लग जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो स्पर्श भी प्रकट हो जाएगा डिजिट के कारण, साउंड और रूप तो एकदम आनंद से आज प्रकट हो रहे हैं, कुछ अरसा के बाद स्वाद और स्पर्श और गंध भी प्रकट होने लग जाएंगी, क्योंकि अभी तो उनकी डिजिटल एनालिसिस नहीं भई है कि किन डिजिट्स में उनको अपन प्रस्तुत करें तो वो या तरीके को रूप ले सके। जा दिन वो प्रस्तुत हो गई, वा दिन सिद्ध हो जाएगा कि साउंड कुछ नहीं है, रूप कुछ नहीं है, अलग अलग डिजिट्स के अलग रोल हैं खाली। तो इंस्टेंस सब हैं, एसेंस कुछ भी नहीं है, वह अर्थ में शून्य है। आयो ख्याल में? ये बुद्ध को सिद्धांत है। अब बहुत सारे साइंटिफिक गैजेट या तरीके के बन रहे हैं, या सबको ये बात बहुत अपीलिंग लगे कि बुद्ध धर्म ज़्यादा साइंटिफिक है, बुद्ध धर्म ज़्यादा रैशनल है, क्योंकि यस वी कैन सी दिस, अपन देख सकें, इतना ही नहीं अपन डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, और या लाइन को अपन डेवलप करके हर काम को करके दिखा सकें। अभी जैसे आप जानते होंगे कि जो आखिरी जेनेटिक डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ में जीनोम के भी डिजिटल कन्वर्शन की ही सारी बात सोच रहे हैं कि वो कैसे एक्स वाई के क्या डिजिटल कॉम्बिनेशन है, वासु क्या अपनो रूप बने हैं, क्या अपनो रोग बने हैं, क्या अपनो रंग बने हैं, तो ये सब डिजिटल है। अब डिजिटल में अपन नहीं है, डिजिट्स हैं। देखो ध्यान से समझो, आपको जो भी मोबाइल को नंबर है वो आपको अलर्ट हो गया है, वो मोबाइल को नंबर आपको अलर्ट हो गया हो, आपने अपना नाम वहां में डाल दियो, आप मुको मोबाइल रिंग करो तो वो नंबर के साथ आपको नाम आ जाए, वह नंबर के साथ में यदि आपको फोटो भी डाल दूं तो जैसे ही आप मुको फोटो करो, रंग रिंग करो, आपको फोटो भी आ जाए। तो डिजिटली आप मेरे सामने प्रस्तुत हो रहे हो, पर एक्चुअली एसेंशियली आप हो नहीं। जैसे यहाँ मोबाइल में ये सिचुएशन है, वही सिचुएशन बाहर है, ये बुद्ध भगवान को कहना है। वस्तु कुछ भी नहीं है, पर डिजिटली ऑर्गेनाइज, डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन या ढंग को है कि जाके कारण रूप रस गंध स्पर्श शब्द क्रिया वगैरह सबको अपने को भास हो रहे है, और वो जो भास हो रहे है या के कारण कुछ भी है नहीं, सबको भास हो रहे है,
और वाकई लिए अपने को जो है वो सर्वम क्षणिकम सर्वम स्वलक्षणम, हर डिजिट अपने आप में स्वलक्षण है। आखो जेनेटिक डेवलपमेंट वही दिशा में हो रहा है कि हर एक जेनेटिक जो सेल है वो स्वलक्षण सेल है, वो और वो दूसरी जैसे पॉलीमर और वो क्या मेनोमर मोनोमर, तो उनके कॉम्बिनेशन सु दोनों जो हैं वो कैसे अलग अलग सेल बन जाएं वह मॉलिक्यूल बन जाएं, वो क्या है पॉलीमर को क्या मोनोमर को, खाली कॉम्बिनेशन है ना, मोर और लेस डिजिटल है वो, न्यूमेरिकल नहीं हो के बायोलॉजिकल है, पर है तो वही फंक्शनल, तो वाको फंक्शन तो डिजिटल ही हो रहे हो है। वास्तिति में एसेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो चीज़ है वो सब चीज़ फंक्शन हो रही है। ऑलमोस्ट जैसे महाप्रभु जी रास पंचाध्याय में कहें क्रिया सर्वापि सहिवात्र परंग कामो न विद्यते, ऐसे क्रिया सर्वापि सहिवात्र परम तत्व न विद्यते, क्रिया सब हो रही है, मैंने आपको रूप प्रकट होएगो, आपको साउंड प्रकट होएगो, अभी टच प्रकट नहीं हो रहे हो, मगर कुछ दिन बाद ऐसा भी हो जाएगा कि मोबाइल आप फोन करो तो आपके साथ हाथ भी मिला सकें और आपकी गंध भी आ जाए साथ साथ में, वो भी हो सके। तो ऐसा सब जब हो सकेगा डिजिटली, तो जब डिजिटली ये हो सके तब मतलब क्या भयो कि क्रिया सर्वापि सही वात्र, सब क्रिया हो सकेगी, परम तत्वम न, तत्व है नहीं वाचार्य को, वो तत्व नहीं है, वह अर्थ में शून्य है सब कुछ। तब एक प्रश्न उठ्यो कि यदि ये तत्व है तो ये शून्य जो है पाचक, क्योंकि दार्शनिक महान खुरापाती प्राणी है, तो दार्शनिक ने ये प्रश्न उठाया कि ये शून्य एक है कि अनेक है, ये बताओ। तो बुद्ध भगवान को स्पष्ट सिद्धांत में यह है कि प्रपंचोपशमम शांतम अद्वयम है, सारे प्रपंच को उपशम करने वालों अद्वय एक है और शांत है शून्य का स्वरूप। प्रपंचोपशम ये द्वैत को जितना प्रपंच है वाको सबको शांत कर देने वालों, नल एंड वॉइड कर देने वालों अद्वय है, प्रपंचोपशमम शांतम ऐसा स्वरूप है। अब देखो एक बात ये रही, तब प्रश्न उठ्यो कि तो बुद्ध क्या है, उनने कही बुद्ध कुछ शून्य है, जो शून्य को जाने हैं वो बुद्ध को जाने हैं, जो बुद्ध को जाने हैं वो शून्य को जाने हैं, सो बुद्ध भी शून्य है। वाक्य बाद जैसे अपने यहाँ षोड़श ग्रंथ है, ऐसे बौद्धन के यहाँ एक धम्म पद करके मुख्य उपदेश को ग्रंथ है बुद्ध भगवान के, वह धम्म पद में एक बुद्ध वग्गो है, बुद्ध वग्गो, बुद्ध वग्गों में भगवान स्पष्ट ही आज्ञा कर रहे हैं बुद्ध भगवान कि कोई पहाड़ की शरण में जा रहे हो है, कोई नदी की शरण में जा रहे हो है, कोई वृक्ष की शरण में जा रहे हो है, कोई आश्रम की शरण में जा रहे हो है, ये सब शरण बेकार हैं, ये सब शरण खोटे हैं। तब पूछे उसके सच्ची शरण कौन की पकड़नी, तो उन्हें कि बुद्ध की शरण पकड़नी, बुद्ध की शरण सच्ची शरण है, धम्म की शरण सच्ची शरण है, एतंको शरणम सच्चम, ये सच्ची शरण है, बाकी ये सब मिथ्या शरण है पहाड़ की। इकेदा क्यों बोलियो, बात समझ में आई, अर्नोल्ड टॉयनबी को इकेदा ने या तरीके को रिटोर्ट क्यों दियो, क्योंकि बुद्ध भगवान या तरसु खुद कह रहे हैं कि पहाड़ की शरण में जानो, नदी की शरण में जानो, वृक्ष की शरण में जानो, इन सब की शरण में जानो, ये सब खोटी शरण है, इनसे कुछ होने जाने वालों नहीं है, सच्ची शरण बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, वो सच्ची शरण है। और ये सच्ची शरण तुम लोगे वो तुमको कैसे मिलेगी,
वहां स्पष्ट बुद्ध भगवान के हैं कि श्रद्धा के कारण मिलेगी, रैशनलिटी के कारण नहीं, साइंस के कारण नहीं। श्रद्धा है तो तुम ये शरण ले पाओगे, श्रद्धा नहीं है तो तुम ये शरण नहीं ले पाओगे। बहुत अच्छी एक उनके यहाँ वार्ता है, बहुत अच्छी वार्ता है, वो आज कागज आयो नहीं, पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गया, नहीं तो मैं पढ़ के सुनाता तो बहुत मजा आती आपको। अरे सॉरी, है हाँ, देखो देखो, बहुवै शरणम यन्ति पब्बतानि वनानि च। बहुत सारे लोग पर्वत के शरण में जा रहे हैं, कोई जंगलन के शरण जा रहे हैं। अपन भी देखो, वृंदावन, महावन, बद्रिकावन सबकी शरण में जाते रहे ना। बहुवै शरणम यन्ति पब्बतानि वनानि च आराम रुख चैत्तानि। कोई आराम मने आश्रमन की शरण में जावे, कोई रुख, रुख मने वृक्ष, जासु तुम्हारे गुजराती में रुखड़ो शब्द बने हैं, अब नई गुजराती में नहीं है, पुरानी गुजराती में तो रुखड़ो, तो ये रुख, वृक्ष को रुख कहते थे। आराम रुख चैत्तानी, चैत्तानी मने बुद्ध भगवान के जो चैत्य बने हुए हैं ना अपने कैनरी केव्स में, वो कोई चैत्य के शरण में जा रहे हो। मनुष्या भय तर्जिता, क्योंकि आदमी डरे भय है, ये इजीली अवेलेबल हैं, तो जो इजीली अवेलेबल हो वाके शरण में चले जाए भय के कारण। नेतम खो शरणं खेमम, नेतम शरणम उत्तमम। ये शरण जो है ये सचमुच में कल्याणकारी नहीं है, ये शरण अच्छो शरण नहीं है। तो शरण अच्छो कौन सो, नेतम शरणम आगमम सब दुखम प्रमुच्यति, और या शरण में जाने से तुम्हारे कोई दुख को नाश होने वाला नहीं है, भगवान कह रहे हो। बैठ जाओ पर्वत पे जाके, यहाँ को दुख वहां ले जाओगे, पर्वत में पैदा हो जाएगा। वन में जाके करोगे तो शहर को दुख वन में पैदा हो जाएगा। तो कौन की शरण में जाना, भगवान कह रहे हैं, योच बुद्धंच धम्मंच संघंच शरणंगतो चत्तारी आरीय सच्चानी संपय्यम पश्यति। जो संघ धर्म के, संघ के और बुद्ध के शरण में जावे वो चार आर्य सत्य को देख सके। कौन से चार आर्य सत्य, सर्वम क्षणिकम, सर्वम स्वलक्षणम, सर्वम दुखम और सर्वम शून्यम। इन चार सत्यन को देख सके, दुख, दुख समुत्पाद और दुख को निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इन चार सत्यन को देख सके। दुखम दुख समुत्पादम दुखस्य च अतिक्रमम अरियंठिंग मग्गं च, और आठ मार्ग हैं वाक्य, वो मैं बता चुके हूँ अपने सर्वोत्तम के दो तीन पहले में, अष्टांग मार्ग उनको बुद्धन को कैसा है, उन सब को वो देख सके यदि इन तीन शरण त्रिशरण तुम लो तो। धम्म बुद्ध शरण, धम्म शरण और संघ शरण, तो तुमको वो अच्छा मिलेगा। एतम शरणम आगम सब दुखम पमुच्यति सुखो बुद्धानम उत्पादो सुखो सद्धम्म देशना सुखो संघस्य सम्माग्गी सम्मग्गानम तथा सुख। सच्चो सुख जो है वो बुद्ध के द्वारा मिले है, सच्चो सुख जो है वो सद्धर्म की देशना के द्वारा मिले है, सच्चो सुख जो है वो संघ की समग्रता में मिले है, और सच्चो सम्यक ज्ञान तुमको या में मिले है, ये पर्वतन के शरण में नहीं मिले। वाह बात पे इके दाने अर्नोल्ड टोइनबी को पकड़े है, ख्याल में आयो ना। वहां में ये जो इनकी यहाँ की वार्ता है वो बहुत अच्छी है कि या गाथा को कोई एक साधक सुन रहे हो तो जंगल में, और आधी गाथा वाने सुनी तो ये गाथा कहाँ से आ रही है आवाज़, सुनते सुनते खोजते खोजते वो गयो, अचानक जहाँ से आवाज़ आ रही है वहाँ पहुँचो, वहाँ एक प्रेत खड़े भयो तो,
वाने वा प्रेत को रिक्वेस्ट करी कि भाई तुमने आधी गाथा सुनाई, पर मुको ये गाथा पूरी सुनाओ। और प्रेत ने कही कि मैं पूरी सुनाऊं पर मुको भूख बहुत लगी है और खाने को कुछ चाहिए, तो मैं सुनाऊंगा नहीं, पहले तो को खाना चाह रहे हूँ, तू आ गए हो तो। साधक ने कही कि ये तो बड़ी गजब बात हो गई, तो यानी कि चलो एक काम करो, हैव ए कॉम्प्रोमाइज, तुम मुको गाथा पूरी सुना दो, वाके बाद खा जाओ। क्योंकि गाथा में ये बात कही जा रही है कि सर्वम क्षणिकम सर्वम स्वलक्षणम, तो खा जाए कि नहीं खाए, सर्वम शून्यम तो खाए के मत खाए, शून्य तो तथ्य ही है ना, तो यानी कि गाथा पूरी सुना दो, वाके बाद मुको खा जाओ। तो वो प्रेत ने कही कि ऑल राइट, मैं तो तुमको गाथा पूरी सुनाऊं, और बुद्ध को सारो उपदेश ये वह ने वाकु साधक को सुनायो, और फिर वहाँ ने कही कि अच्छा अब खा जाओ मुको, अब मुको सत्य पता चल गयो, अब मैंने जीनो और मरनो दोनों इकसार हो गयो, अब मुको तुम खा जाओ। तो जैसे ही वो खाने के लिए वो सामने गयो, और वो प्रेत में सु एक देवता बन गयो। और खायो नहीं हुआ ने। अब देखो बात ध्यान से समझो, नाक यों नहीं पकड़नी, यों पकड़नी, बात तो वही की वही की वही की नहीं, अपन यों नाक पकड़ रहे हैं, वो कह रहे नहीं नहीं ये सब बात खोटी, ये बात सच्ची नहीं, धम्म बुद्ध संघ के शरण में जाओ और पूरी बात सुनो, सब क्षणिक है या सत्य को समझ लो, सब शून्य है ये बात समझ लो, पर एक बात ध्यान समझो कि सब स्वलक्षण की भी इंटीग्रिटी बुद्ध धर्म शून्य में खोजे है कि नहीं। सवम शून्यम करके वाकू इंटीग्रिटी खोज रहे हो कि नहीं। तो जो बिचारो अर्नोल्ड टोइन भी कह रहे हो तो कि इनने दिव्यता, हिंदू लोगन ने दिव्यता जगत में मानी या के लिए जगत के प्रति अत्याचार नहीं कियो, भगवान ने वह दिव्यता को नहीं मानी और शून्यता को मानी, पर शून्यता को स्वरूप पाछे दिव्यता को ही है, क्योंकि शून्यता खुद भगवान बुद्ध को स्वरूप है और भगवान बुद्ध खुद शून्यता को स्वरूप है, और वह प्रपंचोपशम है, शांत है, अद्वय है, शिव है, यहाँ तक कहो है। अब अंतर कितना भयो, देखो ध्यान से समझो, अंतर इतना भयो कि बहुत सारी चीजें हैं, अब जैसे मैं यूं कहूं कि मेरो प्रवचन श्रोता वृंद सुन रहे हो, आप कह रहे हो नहीं खोटी बात, श्रोता वृंद नाम को कोई पर्सन यहाँ मौजूद नहीं है, परेश मौजूद है, किरण मौजूद है, अंशु मौजूद है, पद्मिनी मौजूद है, मनीषा मौजूद है, निशा मौजूद है, ये मौजूद है, वो है। श्रोता कोई मौजूद नहीं है, ठीक बात है भैया, तेरी बात सच्ची, अब गिनाते रहो डिजिटल काउंटिंग करके, हेड की डिजिटल काउंटिंग करो, श्रोता मत मानो, अंतर तो इतना ही है ना। अपन क्या कह रहे हैं, हेड की डिजिटल काउंटिंग नहीं करके अपन यो कह रहे हैं कि श्रोता यहाँ मेरे प्रवचन सुन रहे हो, बुद्ध धर्म कह रहे हो कि खोटी बात, श्रोता नहीं सुन रहे, क्योंकि श्रोता नाम को कोई व्यक्ति नहीं है, श्रोता नाम को कोई पर्सन यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ सुनने वाले अलग अलग व्यक्ति मौजूद हैं डिजिटल स्वलक्षण, जो एक दूसरे के साथ अपनी कैरेक्टर को शेयर नहीं कर रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल टोटली इंडिविजुअल व्यक्तियाँ यहाँ मौजूद हैं, श्रोता यहाँ कोई मौजूद नहीं है। बात तो यूँ नहीं कह के, यूँ कहने के इंटीग्रिटी मानी कि नहीं मानी, और श्रद्धा तत्व कितनो वाको एग्जाम्पल कितनो बड़ो दियो कि आर्य सत्य सुनने के लिए आदमी अपने आप को खवाने के लिए तैयार हो जाए है, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, उतनी श्रद्धा को उपदेश ये कथा दे रही है कि नहीं, कि आदमी को सत्य जानने की श्रद्धा कितनी होनी चाहिए कि तुमको कोई प्रेत खा जा तो होए तो खवा जाओ। अच्छा वाको एक अंडरकरेंट मैसेज या स्टोरी को मॉरल ये भी है
कि यदि या श्रद्धा के वश तुम अपने आप को प्रेत सुखवाने के लिए प्रस्तुत करोगे तो प्रेत भी देवता में कन्वर्ट हो जाएगा। जगत भले आधिदैविक हो के नहीं, पर तुमको खाने वालों प्रेत देवता बन जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है। वही तो अपनी अपन कह रहे हैं, वही बात अपन कह रहे हैं कि तत्पादाब्जम प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थश्चेते मृत्यु रस्मादपेति। भगवत चरण को प्राप्त करो तो मृत्यु को भय तुमको नहीं रह जाएगा। अपन भी वही बात कह रहे हैं, प्रेत मतलब क्या? मृत्यु जाकी हो गई है वो प्रेत। अंतर इतना कि अपन यूँ पकड़ कर रहे हैं नाक, वो यूँ नहीं पकड़ के, यूँ पकड़ रहे हैं। श्रद्धा तत्व उनके यहाँ मौजूद है और यह सारी सिस्टम को श्रद्धा की और प्रेम की और रति की, सुख की, माने कृपा दृगुष्टि संभ्रष्ट हर्ष की, सुखम खो भगवान बुद्ध कह रहे हैं, वो वहाँ मौजूद है कि नहीं है सिस्टम। इकेदा को गुस्सा आ रहा है क्योंकि वह को आधी दैविकता नहीं पसंद है, तो इट्स ऑल राइट। अपन समझ सकें कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। भगवान बुद्ध ने वह तरीके की बात करी है तो इकेदा भी वह तरीके की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर रहस्य समझ जाओ या मैं कि रहस्य अपन जो कह रहे हैं वासु बहुत अलग नहीं है। शिवोम शिवोम, ठीक बात है। अपन क्या कह रहे हैं, अपन क्या कह रहे हैं, अपन महाप्रभु जी को जा वक्त ये प्रश्न पूछो जाए कि मैं क्या हूं, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई यदि केवल आंख मानते हो तो आंख नहीं है, आंख मानते हो तो आंख नहीं है चेतना, कान मानते हो तो कान नहीं है, अहंकार मानते हो तो चेतना अहंकार नहीं है, सब कछु मानते हो तो सर्वंखलु इदं ब्रह्म है। एक चीज में मानोगे तो मना कर रहे हैं, सब मानो तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मनाई की कोई बात ही नहीं है क्योंकि वही तो सब कछु है। अंतर कितना भयो, श्रोता वर्ग मत मानो उपस्थित है, ऐसे मत मानो कि कांदीवली नाम को कोई सर्व है, एक सुखधाम है, कोई एक विला है, कोई आनंद विला है, कोई तुलसी विला है, कोई ये विला है, कोई विला, ऐसे सब विला हैं, कांदीवली नहीं मौजूद है। अब ठीक है, बात यों को के यों को, कांदीवली के सबर्ब में जितने घर हैं उनको एन्यूमरेशन करके कहो के इतने सब घर मौजूद हैं, कांदीवली नहीं है। वो तो गायब करने की पद्धति है ना, एक मकान में फ्लोर मौजूद हैं सब, मकान मौजूद नहीं है। जैसे सुखधाम नहीं है, तीन फ्लोर हैं, फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, टेरेस है, सुखधाम नहीं है। ठीक बात है, समझ में आ गई बात ना, कहने को मतलब क्या है। बात बहुत अलग नहीं जा रही है, इतनी सी अलग जा रही है कि तुमको या टर्मिनोलॉजी में यूनिवर्सल टर्म में कोई बात कहनी तुमको अच्छी नहीं लग रही है, पर्टिकुलर टर्म को तुम प्रिफरेबल मान रहे हो। तुम्हारे कर्ण रसायन पर्टिकुलरिटी है, अपनो कर्ण रसायन यूनिवर्सलिटी है, बस अंतर इतना ही तो पढ़ रहे हैं ना। जहाँ तक श्रद्धा को, सुख को, हर्ष को ये सब सवाल है, वहाँ में अपन और वो बहुत अलग नहीं जा रहे हैं। इन दो बातों को देखोगे तो पता चलेगा। या लिए मैंने अर्नोल्ड टॉयन भी और इकेदा की बात आपको बताई। वाके बाद कल मैं शायद वो मैं कबूल कर रहे हूँ बाबा कि जो पीछे से मैंने बताया ना स्नेह के हेतु, वो कहीं शास्त्र में मैंने पढ़े नहीं है, वो तो मैंने ही एन्यूमरेट किए हैं और वो मेरे हैं। वो आप एडमिट करने को तो एडमिट करूँ, कन्फेस करने को तो कन्फेस करूँ, वो मैंने कहीं पढ़े नहीं है। पर मुझको ये सारी बात देख के जो कैलकुलेशन आयो वहाँ में, मैंने शायद मुझको लगे कि कुछ एक मिस कर दियो कि नहीं किए, जरा थोड़ो यहाँ प्रोजेक्ट करो तो मैं बता दूँ। मुझको कुछ जल्दी में ऐसी फीलिंग भाई कि शायद मैं एक मिस कर गयो। लास्ट में मैंने जो बताए थे ना अपने अनडैमेज ब्रेन में स्नेह करने के क्या क्या हेतु और प्रयोजन है, हाँ? ये
इच्छा काम पूर्ति भयवारकत्वेन स्वभावोद्बलकत्वेन स्वाश्रयत्वेन स्वत्वपूर्वक स्वत. अच्छा सॉरी हो वो मैं भूल गया यहाँ मैं. एक मिस कर गयो. इच्छा काम पूरकत्व इन के बाद एक और बात है कि निर्भरत्व सति भय जनकत्व न. निर्भरत्व सति स्वनिर्भरत्व सति भय जनकत्व न. वो भी स्नेह को हेतु बहुत इंपॉर्टेंट है. पता नहीं क्यों ध्यान ध्यान में कल मिस हो गयो, आउट ऑफ साइट रह गयो. पर घी ढुल्यो पर खिचड़ी में ऐसे आज वही कॉन्टेक्स्ट आ रहे हो. तो या लिए अब आज या पे आपको ध्यान अच्छी तरह से जाएगा. कल शायद बता भी दे तो आप कई लोग झोंका खा के वक्त मिस कर जाते हैं. ये देखो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है अपने स्नेह को, अनडैमेज ब्रेन के स्नेह को. डैमेज ब्रेन या चिप वाले ब्रेन की बात नहीं कर रहे हूँ, जो अपना अनडैमेज ब्रेन है वहाँ को एक इम्पोर्टेंट फैक्टर स्नेहजनक है कि जा पे अपन निर्भर करते हों, वासु अपन डरते हों तो अपन वासु स्नेह करते हो जाए. माने जासु अपन डर रहे हैं वापस ही अपने को निर्भर रहनो पड़तो होए, तो ब्रेन तुरंत एक ऐसा अपने को मैसेज दे दे है लव इट और लव हिम और लव हर. क्योंकि निर्भर रहने और डर भी लग रहे हो और ये आंखों लव को जो प्रकार है वो बहुत सारे धर्मन ने बहुत एम्फेसिस के साथ स्वीकार है. आपने भी शायद सुनियो गो भय बिना प्रीत न हो ही, भय के बिना प्रीत नहीं हो सके. अपने अभी बापा बापी और हम लोग भी निरंतर डराते रहें, जितनो डरोगे आदमी स्नेह कब तोड़ दे, निडर हो जाए और निर्भर नहीं होए तो. पर निर्भर भी रहना पड़तो होए और डरना भी पड़तो होए तो घबरा के मोहब्बत कर बैठे हो जाए. वाकू बहुत अच्छी गजल है घबरा के मोहब्बत कर बैठे, क्योंकि निर्भर रहना पड़े जाए कहाँ. तो फिर वहाँ को जैसे देखो एक बात ध्यान समझो, जब भी अपने कोई इंजरी हुए इंटरनल या एक्सटर्नल, तुरंत क्या हुए ब्रेन को मैसेज जावे, ब्रेन को मैसेज जावे, ब्रेन तुरंत वहाँ को पेन के रूप में रजिस्टर करे. ब्रेन वहाँ की पूरी डिजिटल एनालिसिस करे हो कि बेरेबल है कि अनबेरेबल है. बेरेबल हो तो निग्लेक्ट कर दे, खाली इतनो कह के इंजरी को ठीक करो, वाइट सेल वहाँ सब जाके अटैक करें, जमा कोई क्लोटिंग हो, क्लोटिंग हो के वो इंजरी को घाव को भर दें, सिर्फ इतनी प्रोसेस हो. पर जरा जो अनबेरेबल हो जाए, नॉर्मली जैसे पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन के बाद पेन हो तो हो, दांत निकलवा दियो हो या टॉन्सिल कटवा दियो या कुछ अंग वंग कटवा दिए हों, वाके बाद जो सर्जिकल पेन होते हों, तो इमीडिएटली तो ब्रेन वाको समझ नहीं पावे तो बहुत पेन ज़्यादा वाको फील करे. पर थोड़ी देर बाद ब्रेन तुरंत क्या करे, ब्लड में ऐसे सीक्रेशन करे केमिकल के कि वो पेन अपने को फील होनो बंद हो जाए. क्योंकि निर्भय रहना है और डर भी लग रहे हो वासु, तो ब्रेन खुद ऐसे सीक्रेशन करे अपने ब्लड में कि जासू वो पेन चालू रहे हो, घाव नहीं रुझे पर पेन होनो बंद हो जाए एनेस्थेसिया के बिना हो. इनिशियल स्टेज में अपने को एनेस्थेसिया या क्लोरोफॉर्म की जरूरत पड़े, पर जैसे ही कुछ टाइम से ज़्यादा वो खुले रहे हो घाव, फिर घाव दुखना बंद हो जाए. ऐसे मैंने बहुत पेशेंट को भी देखे हैं कि जिनको मैंने ये केमोथेरेपी नहीं, क्या कहें वो, कौन सी थेरेपी, वो जला देना लेजर की थेरेपी से जला देना पूरा कैंसर के अंग को, रेडिएशन,
तो रेडिएशन से जला देने के बाद फिर ऑपरेशन करना पड़े, तो पेट को वो सधे ही नहीं सधे करके खुल्लो के खुल्लो रह गयो 6 महीना तक। और रेडिएशन के कारण पेट जुड़ने की प्रक्रिया बंद हो गई काटने के बाद, और खुल्लो पेट रहे हो, पेन होना बंद हो गया, बंद हो गया पेन। ब्रेन खुद वह तरह से काम कर रहे है। बहुत देर पेन अपन नहीं सहन करें, थोड़ी देर सहन करें। भगवान बुद्ध के हैं सर्वम दुखम, पर जो महान दुख है ना वो भी थोड़ी देर अपन सहन करें, ज्यादा देर दुख सहन नहीं करें। तुरंत ब्रेन को आंखों मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाए कि आ दुख को कैसे एंटीडोज दे देनो, और ऐसे सीक्रेशन अपने ब्लड में हो जाए कि जाके कारण पेन होनो बंद हो जाए। कुछ भी ऑपरेशन कराओ तो आप देख सको या बात, क्योंकि घाव रुझने के पहले दर्द बंद हो जाए, घाव बाद में रुझते हुए। वाको मूल कारण क्या, ब्रेन वह तरह से काम कर रहे है। तो जहां अपन निर्भर हैं कोई पे और वही सु भय हो रहे है, तो ब्रेन तुरंत वाकू कह के घबरा के मोहब्बत कर बैठे, अब डरने की कोई बात नहीं है। ये जितने भी बड़े बड़े राज लड़वैया लोग हते, वो क्यों लड़ सकते थे? कोई के 70 घाव होते, कोई के 40 घाव होते शरीर में, उनको क्यों नहीं लड़ाई में दुखते? तो अपन कहें कि उनको उन्माद आ गए, उन्माद नहीं आ गए हो। सचमुच मैं उन घावन को झील के और ब्रेन ने मैसेज दे दियो कि नो मोर पेन, जस्ट फाइट, गो ऑन फाइटिंग। वो इनिशियल स्टेज में अपन नर्वस हो जाए पेन की, ब्रेन की मैसेज के कारण करके पेन हुए है, अदरवाइज पेन नहीं हुए है। ब्रेन में बिल्ट इन सिस्टम के तहत ये व्यवस्था आपने रही भई है, तो वाके कारण घाव रुझने के पहले पेन कम हो जाए है याकी सिस्टम में। और जैसे कोई भी अपनी बीमारी समझो ज़्यादा लिंगर ऑन करी, तुरंत अपने ब्रेन में से वो व्यवस्था तैयार है रेडीमेड कि बीमारी मिट नहीं रही है, तो वह बीमारी को दर्द फील करनो बंद हो जाए। कवि लोग या को साइंटिस्ट लोग या को या तरह से कहें, कवि लोग ऐसे कहें कि आदत के बाद दर्द भी देने लगा मज़ा। कोई भी दर्द की आदत पड़ जाए तो फिर वो दर्द की मज़ा आने लग जाए। तो काव्यात्मक सत्य है मगर बायोलॉजिकल ट्रुथ भी हमें उतनी ही रही भई है। तो या रहस्य को समझो कि जापे अपने को निर्भर रहनो है, वापे अपने को डर भी लगतो होए, तो ब्रेन तुरंत ऐसे सीक्रेशन करे ऑल राइट, अब डर लग रहे हो है तो लव है। अक्सर लीडरन को बड़े बड़े गिलिंडरन को लोग या लिए स्नेह करते हो, मैं अपने को आश्चर्य हो कि क्यों इनको चाह रहे हैं लोग, एंटी सोशल एलिमेंट को। कई लोग उनको या लिए चाहते हैं क्योंकि निर्भर रहना और डर लग रहे हो। और दरअसल ये एक वो फिनोमिना है, ये एक वो फिनोमिना है जाके कारण ईश्वर की भक्ति को बहुत सारे धर्मन ने उपदेश दियो है। निरंतर आप बाइबल पढ़ोगे ना तो ऐसे कंटिन्यूअस हैमरिंग आवे कि डरो डरो परमात्मा से डरो और चाहो, डरो और चाहो। तो निर्भरत्वे सति भय जनकत्वे न। अक्सर मुझे लगे कि बच्चा बाप से भी यही लिए प्रेम करते हुए कि निर्भर रहने के वक्त रियलाइज हो जाए, और फिर डर भी लगता है कि मारेगो, वो घबरा के मोहब्बत कर बैठे जाए। बहुत सारी औरतें अपने पति को भी यही लिए चाहती हूँ मैं क्योंकि निर्भर भी रहना पड़े है और डर भी लगते हुए। ऐसे तो बहुत कम पति हुए कि जो पत्नी से डरते हुए और पत्नी से डर के और फिर पाछे पत्नी को चाहने लग जाए। तो कल्चरल वेरिएशन में ये बात हुआ है, पर ये बात हकीकत है। बहुत सारे जानवर भी आदमी से डरे हैं या लिए आदमी को चाहते हुए, खास करके अपने
सेवा में जुटे भाई जानवर, वो क्योंकि डरते हुए हैं अपने से और डरे हैं वो भी, उनको माने सीक एंड अवॉइड कर नहीं सकें, तो जब सीक और अवॉइड नहीं कर सकें तो वो अवॉइड नहीं कर सकें वाको सब्सटीट्यूशन वो लव सु कर रहे हैं। सीक क्यों कर रहे हैं? वाई दे आर सीकिंग? बिकॉज दे आर डिपेंडेंट। वाई दे कांट अवॉइड? बिकॉज देयर इज नो वे आउट। सो व्हेन देयर इज नो वे आउट वी स्टार्ट लविंग इट हिम और हर। ये आपको एक स्नेह को एक ये भी पहलू है। और बहुत सारे धर्मन ने, बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट ने, न्यू टेस्टामेंट ने, कुरान में कंटिन्यूअस आपको ऐसा मिलेगा कि डरो परमात्मा से, डरो परमात्मा से, डरो, बहुत खौफ। तो वो खौफ के कारण स्नेह पैदा हो जाए है। सादर भीति में वही बात आएगी, सादर भीति में वही बात आएगी। तो ये एक एलिमेंट रह गया, तो कल वाकू बराबर समझ लीजिए। या रहस्य के कारण, देखो अपन अब दूसरो धर्म ले रहे हैं, यहूदी धर्म में आँखों याको श्रद्धा रति और भक्ति और निरोध, तो निरोध भी है वहाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर शरणागति सुअपन वहाँ लेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। बहुत अच्छो उनने समझाया यहूदी धर्म के। यहूदी धर्म में सबसे पहले एक मज़ेदार बताऊं कि एक रब्बाई सिमलाई करके हुए हैं, रबी सिमलाई, रब्बाई तो वो ब्रिट प्रोनाउंसिएशन है, पर रबी सिमलाई करके हुए हैं। उनको एक वचनामृत है, जैसे अपने यहाँ वचनामृतों में ना गोकुलनाथ जी के, गिरधर जी के, वल्लभ जी के, ऐसे उनके भी वचनामृत के प्रकार हैं। तो रबी सिमलाई के बहुत अच्छे अच्छे वचनामृत हैं, सब अतिशय पढ़ने लायक वचनामृत हैं। रबी सिमलाई एक बात क्या है कि मोजेस ने जाने यहूदी धर्म की स्थापना करी, वहां ने 613 तो विधि बताई, धर्म विधि, और 365 निषेध बताए। आदमी डरे नहीं तो करे क्या? एक विधि आए तो प्राण पे आवे, धर्म की विधि कितनी है वहां? 613, और निषेध है 365, रोज को एक निषेध, सुबह उठते ही एक निषेध अपने पे लागू हो जाए। मोजेस ने इतने सारे विधि निषेध बताए, वो बाइबल देखें तो अपने को सब पता चले, माने एन्यूमरेट किया है, मैंने एन्यूमरेट नहीं किया मगर यूं ख्याल है कि बहुत सारे विधि निषेध मोजेस ने किए हैं। उनके बाद डेविड आयो, डेविड ने वो 613 और 365 विधि निषेधन को 11 में संक्षिप्त कर दिए। इतनो विस्तार की क्या जरूरत है? मैं देखो आखिर एक प्रक्रिया बता रहे हूं, अपने यहां भी मर्यादा में 613 नहीं तो 600 तो होंगे ही, और निषेध भी 365 नहीं तो 300 तो होंगे ही, इतने विधि निषेध तो अपने यहाँ भी मर्यादा मार्ग में होंगे। और खाली आपको त्रस्त होना हो तो एक उदाहरण दूँ, आपको समझ में आ जाएगा मर्यादा के कैसे कैसे कठोर नियम है। के दूसरे को झूठन खाना निषेध है, समझ में आ सके कि अपन झूठन नहीं खाएंगे। अपने यहाँ तो बालकन की झूठन लोग खावे हैं पर निषिद्ध है, गुरु की भी झूठन खानी निषिद्ध है,
गुरु भोजन कर ले वाके बाद भोजन करनो विधि है, गुरु की झूठन खाने को निषेध है करके सब मर्यादा मार्गी लोगों को बहुत मिर्ची लगे अपने को देख के। खैर वो बात तो समझ सके अपन, कोई वाक्य हाइजेनिक जस्टिफिकेशन भी हो सके, खुद की झूठन खाना भी निषेध है। मर गया ना आदमी, खुद की झूठन खाना निषिद्ध है, अब पत्नी की झूठन खाना निषिद्ध है। अब पत्नी की झूठन नहीं खाए ऐसा हो कैसे सके, ये सब विधि निषेध है। एक एक विधि निषेध पढ़े तो आदमी पागल हो जाए। मुझको बराबर याद है अपने पुष्टि मार्ग में भी ऐसे बहुत सारे विधि निषेध हुए मर्जा दीन के। हम चरणाट गए और ब्रजेश शास्त्री वहाँ आए भए थे और मुरलीधर जी काका जी ने अचानक वहाँ बैठक जी में आए और पूछे, अच्छा शास्त्री जी आप बीड़ा भी बांध लेते हैं? ब्रजेश शास्त्री ने कही, हाँ कृपानाथ बांध लेते। क्या हाँ कृपानाथ बांध लेते हो? छू गए हाथ, जाओ खासा करो। हाथ क्यों जोड़े? हाथ जोड़े तो छू जाए हाथ। बीड़ा बांधते बांधते हाथ जोड़े हो तो हाथ छू गए हो। विधि निषेध अपने यहाँ भी बहुत हैं, अपार विधि निषेध हैं, चलते फिरते विधि निषेध आ जाए। मैंने मेरे एक बहुत परिचित मर्यादा मार्गी होते, तो अपनी पर्सनल बात बता रहे हूँ, टॉप सीक्रेट की है, पर वो नहीं जिंदा या लिए बता रहे हूँ, बाकी वो जिंदा आते तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। तो उनको भी मत ऐसे हो कि वो जैसे पुरुषोत्तम भाई को होते कि ब्राह्म मुहूर्त में नहाना चाहिए ब्राह्मण के बेटा को। एक दिन 10-11 बजे आए, मैं नहाया भयो नहीं तो, अचानक दरवाजा खोले, मुझको पता नहीं कि वो ही होंगे। दरवाजा खोलते मेरे तो हांजा गगड़ गए, मैं मर गए, आज तो नहाए नहीं अपन और ये आ गए। तो मुझे अब करना क्या? तो मुझे अब एक अपराध तो हो ही गया, दूसरा अपराध और कर लो। मुझे आज बहुत पेट में दर्द है। बोले अच्छा अच्छा पेट में दर्द हो तो आप परिश्रम देना निषेध है। क्यों और बता दो पाचो और मुश्किल हो जाए। उनको ऐसा भयंकर है तो काम काज, उनका बेटा हमारे ढब्बू को क्लासमेट, आप मानोगे नहीं, स्कूल में कोपिन पैर के आते वो पट्टी वाली खाली ऊपर सुको शर्ट, माथे पे लटकती चोटी। और ढब्बू ने आके मुझसे कहे कि काका आज तो हमारे यहाँ ऐसा आयो एक लड़का कि हम सब ने वाकु टपला मारे। मैंने कि नाम क्या? नाम बताया तो मैंने कि तू मुकु मरवाएगी। भयंकर नियमवादी है। तू टपला मारेगी तो मेरे टपला खाते में यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब मारियो मत टपला इतना, स्कूल में भी कोपिन पैर के भेजो बच्चा को। और ब्यूटी उनकी ये, विल्सन कॉलेज में प्रोफेसर। अब लड़काएं तो बदमाश हो ना, लड़का उन पर मूंगफली एरो फेंकते। प्रिंसिपल ने एक रोज उनको बुलाया कि तुम्हारे यार धोती के ड्रेस के कारण बहुत इनडिसिप्लिन हो रही है तो पैंट पहनो। अब वो विधि निषेध की बात आ गई ना, तो उनने शास्त्र संघ कंसल्ट कियो, तो वहाँ में ऐसा आया कि ब्राह्मण को नीचे से ऊपर पहरे जाए और ऊपर से नीचे पहरे जाए ऐसा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। तो उनने एक पैंट सिवायो, आधो आगे सु आधो पीछे सु, बेल्ट सु बांध लेनो, यहाँ से जिप लगा के वाकू पूरा बनानो। वो पहर के गए, प्रिंसिपल ने कही कि भाई धोती पहर के आओ, पैंट पहर के मत आओ। बोले पर ये पैंट पहन सके, ब्राह्मण को नीचे से पहनना निषेध है, ऊपर पहनना निषेध है। विधि निषेध को ऐसे सिखाता है, विल्सन कॉलेज में हो तो पैंट ऐसे का आधो टुकड़ा ही हो, जैसे अपन ठाकुर जी को सूतन धरावे ना चित्र जी को, ऐसे चित्र जी को धरावे वात्र आधो या बाजू आधो पीछे सो,
बेल्ट से वाकू जोड़ नो, फिर यहाँ से जिप लगा के वाकू बंद कर नो। उनने की ब्राह्मण होने के कारण मैं ऐसा पैंट तो पहन सकूँ। प्रिंसिपल ने कही मारा धोती पैर क्या हो, पैंट मत पहनो। तो एक समझने की बात है कि विधि निषेध अपने यहाँ भी कम नहीं है, असाधारण विधि निषेध है। ऐसे ही उनके यहाँ भी यहूदी धर्म में भी ऐसे विधि निषेध है। तो वो डेविड ने उन सारे विधि निषेधन को 11 में कन्फाइन कर दिए। वाक्य बाद उनके यहाँ एक संत भयो ईसिया, ईसा नहीं हो ईसिया, वाने वा मोजेस के सारे विधि निषेधन को 6 में घटा दिए। वाक्य बाद एक और विधि निषेध, एक और संत भय मिनाई करके, मिनाह करके, उनने वह 6 विधि निषेध को 2 में घटा दिए। वाक्य बाद एक अमोस करके बहुत बड़ा संत भयो यहूदी मत में, वहाँ ने कही कि देखो 2 में से भी सिर्फ एक ही बहुत पर्याप्त है, और वो पर्याप्त क्या है विधि, ध्यान से देखो, सीक मी व्हेन यू आर लिविंग, सीक मी व्हेन यू आर अलाइव, बस एक नियम। कौन सा विधि है, सब आ गया यहां में, सीक मी, मोकू खोजो मरने के पहले। गीता में भगवान आज्ञा करें हो कि मरने से पहले जाने अपनों ये प्राप्त कियो, वाने प्राप्त कियो, तो सीक मी व्हेन यू आर अलाइव। अमोस ने ये बात कही। वाके बाद एक हबाकुक करके एक संत और भयो है, वो आने और अच्छा एक नियम बतायो, या के सीक मी अलाइव के बजाय, और वो क्या क्या है, 300, 613 और 365 जो विधि निषेध हैं, मन सब मिला के कितने भय, 978 विधि निषेध को हबाकुक ने एक सीधो नियम बता दियो कि द राइटियस शैल लिव बाय फेथ, द राइटियस, राइटियस माने जो सच्चो आदमी है, शैल लिव बाय फेथ, मैटर एंड्स, एक नियम बस, श्रद्धा से जो जिएगो वो राइटियस है अथवा रॉन्ग है। 300 कितने माने कैलकुलेशन करके देखो, सबको माने एक सरल नियम ये बनायो हबाकुक ने, बहुत मीठी बातें हो। अपन फेथ की बात कर रहे हैं, श्रद्धा की बात कर रहे हैं, यहूदी धर्म ने श्रद्धा को कैसा स्वरूप बतायो। तब ये सवाल उठ्यो कि फेथ मने क्या, व्हाट डू वी मीन बाय फेथ, और हबाकुक वाकू कैसे बतावे, देखो फेथ को जैसे अपन देखो, फेथ को श्रद्धा को रति, रति को भक्ति, भक्ति को निरोध कर रहे हैं। अपन ने देखी ना वाकी इंटीग्रिटी आखी, कृपा दृगुष्टि समृष्टा दास दासी प्रिय सु लेके निरोध तक की आखी, वाकी एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट देखी। अब ये देखो डेवलपमेंट की ब्यूटी फील करो। फेथ माने क्या, व्हाट डू वी मीन बाय फेथ, वो कह रहे है आई विल ब्लेस यू विथ माय लाइफ। आई भगवान को कह रहे हो आई विल ब्लेस यू विथ माय लाइफ, विथ योर नेम आई विल लिफ्ट माय हैंड, अपने यहाँ हाथ जोड़ने की प्रणाली है, उनके यहाँ हाथ उठाने की प्रणाली है, यों तो आपको हैंड को लिफ्ट करने को कहें, प्रेयर में ऐसे कियो जाए। तो विथ योर नेम, जैसे अपने यहाँ के ढंग से सोचो, अपने यहाँ यों हाथ उठा मैं, वो जय हो करें ना ऐसे, उनके यहाँ यों हाथ उठाया जाए।
नमाज में भी आपने देखे होगा ऐसे कर रहे हैं, तो वो कहे कि आई विल लिफ्ट माई हैंड, आई विथ योर नेम आई विल लिफ्ट माई हैंड, माई सोल इज सेटेड विथ मैरो एंड फेट विथ एक्सटेटिक लिप्स, मैं तेरा ध्यान करूँगा, वो मेरी फेथ है, माई माउथ सिंग योर प्रेस, मेरा मुँह जो है वो तेरे गुणगान गाएगो, आई रिकॉल यू ऑन कॉश, मेडिटेट यू इन नाइट वॉचिस, रात को जग के तारा नहीं गिनूंगा तो को याद करूंगा, रात को जग के अक्सर तारा गिने ना लोग खुले आकाश में, वो कह रात को जग के मैं तारा नहीं गिनूंगा तो को याद करूंगा, उतनी लेंदी प्रोसेस हो जितनी प्रोसेस लेंदी प्रोसेस हो तारा गिने जाए, फॉर यू हैव बीन माई लाइफ इन द शेडो ऑफ योर विंग्स आई एम एक्सटेटिक, तेरे पंख की छाया में मेरी आत्मा उड़ेगी, फॉलोइंग योर राइट हैंड सपोर्ट्स मी, तेरो दक्षिण हाथ जो मुझको सपोर्ट कर रहे है वो तेरे पंख की छाया में मैं उड़ूंगो, या को नाम फेथ, निरोध पे आई के नहीं बात, महाप्रभु जी और क्या कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम स्पष्टम दर्शनम दर्शनम स्पर्शनम स्पष्टम श्रवणम कीर्तनम, सब बात वही, देखो आखो श्रद्धा को इंटरप्रिटेशन वो या तरह से दे रहे है हबाकुक के अपने निरोध तक वाकी आखी डेवलपमेंट अपने को, और वो भक्ति की प्रोसेस सु हो, भक्ति की प्रोसेस में नवधा भक्ति के तहत श्रवणम कीर्तनम स्मरण पाद सेवन तो नहीं है उनके यहाँ पर, वंदन दास्य वगैरह तो सब यहाँ में आ ही रहे हैं, और ये आँखों बाइबल के सामने ओल्ड टेस्टामेंट में कहो गया है हबाकुक के द्वारा। इन लोगन को यहूदीन के आरंभ में क्रिश्चियनिटी जो होती ना, ये पीछे से उनने अपने आप को यहूदी धर्म से छुट्टो पाड़ियो, मूल में क्राइस्ट की समझ हर वक्त ऐसी होती कि वो यहूदी होते, और वा वक्त क्रिश्चियनन की भी समझ ऐसी होती कि वो लोग यहूदी होते, पीछे से जैसे अलग अलग फांटाएं पड़े ऐसे उनके क्रिश्चियनिटी को अलग फांटा पड़ियो, तो क्राइस्ट को जो बात तुरंत पॉल आयो, उनको बहुत बड़ो धर्म गुरु जाने यूरोप में क्रिश्चियनिटी को पहुंचाई, वो पॉल क्या है कि फेथ एंड और लॉ दो चीज होनी चाहिए, खाली फेथ नहीं होनी चाहिए, लॉ मन जो लॉ बताए हैं मैंने मर्यादा और श्रद्धा दोनों होनी चाहिए, केवल मर्यादा नहीं होनी चाहिए, केवल श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, ये तो खैर अपन भी माने हैं, यावत देहाभिमान तावत वर्णाश्रम धर्म एव सधर्म, यदा पुनरात्मानं भगवंतं मन्यते तदा आत्मधर्म एव स्व भगवत धर्म एव स्वधर्म, यही बात महाप्रभु जी व्याख्या करें, पीछे एक बहुत अच्छी बात करे है पॉल, और वो कहे बट जस्टिफिकेशन नॉट पॉसिबल बाय लॉ, इट इज पॉसिबल ओनली बाय फेथ, तुमने अपना जीवन कैसे जियो है वह जीवन को जस्टिफिकेशन मर्यादा के आधार पर संभव नहीं है, फेथ के ही आधार पर संभव है, यू कैन नॉट जस्टिफाई योर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, इफ यू वॉन्ट टू जस्टिफाई योर लाइफ यू मस्ट हैव फेथ, आया ना ख्याल में, बहुत अच्छी बात कही है पॉल ने,
एक अपने यहाँ आपने शायद नाम सुने हो, गोवा में जैसे सेंट जेवियर आयो ना, ऐसे एक अपने यहाँ चर्च भी बहुत हैं, इग्नेशियस लॉयोला करके भयो, उनको बहुत बड़ा संत, वहाँ ने आखिरी ध्यान की प्रक्रिया बताई है कि भगवान को ध्यान कैसे करना, ऑलमोस्ट जैसे अपने योग की प्रणाली है वह तरह से बहुत विस्तार से वहाँ ने आखिरी मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन की आखिरी किताब लिखी है, मस्त किताब है। वहाँ में एक चैप्टर है, बहुत मीठा चैप्टर है कि भगवान को प्यार कैसे करना, स्नेह कैसे करना। फेथ तो मैं समझे ना, फेथ से जस्टिफिकेशन है, पर फेथ के बाद लव कैसे करना गॉड को, वह बारे में सेंट इग्नोशियस लॉयोला कह है। खैर वाक्य पहले एक और बात आना चाहूंगा, फॉर बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ। देखो वो क्या, ये बाइबल में साम है, बहुत अच्छा कि भगवान की कृपा से तुम बचे हो, और भगवान की कृपा फॉर बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ, ग्रेस थ्रू फेथ। बात समझ में आई? मैंने आपको यही लिए पहले बताया कि कृपा को व्यापार जो है वो श्रद्धा है। पहले में यमुना जी वाले कोष्ठक में अपन ने देखा ना कि भगवान के वरण को व्यापार अपने भीतर श्रद्धा के रूप में पैदा हुआ है, वही बात यहाँ भी कहोगे जो है कि फॉर बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड, तुम्हारा उद्धार भयो है भगवान की कृपा के कारण श्रद्धा के द्वारा। माने साधन कृपा है, अवंतर व्यापार श्रद्धा है। बहुत अच्छी बात की है वाकई बात। एंड दिस इज नॉट योर ओन डूइंग, डोंट बी इन रॉन्ग इंप्रेशन कि फेथ तुम्हारा खुद को कोई अचीवमेंट है। फेथ कैन नॉट बी योर, यू कैन नॉट अचीव फेथ। ऐसे कोई काम नहीं है जासू तुम फेथ पैदा कर सको। मैं ये सब बात समझाती हूँ याली, अब आपको एकदम स्मूथली समझ में आएगी कि एंड दिस इज नॉट योर ओन डूइंग, इट इज गिफ्ट ऑफ गॉड। ये तो भगवान के द्वारा दिए हुए तुमको गिफ्ट है, तोहफा है। नॉट बिकॉज ऑफ योर वर्क, तुमने कुछ अच्छो काम किया याली भगवान ने तुमको श्रद्धा को गिफ्ट दी है, या इंप्रेशन में मत लीजिए। भगवान ने कृपा तुम पे निरुपाधिक की है, निरुपाधिक कृपा की है, या लिए तुम्हारे भीतर श्रद्धा पैदा भई है, तुम्हारे काम को देख के नहीं पैदा भई है। लेस्ट एनी मैन शुड बोस्ट, तुमको श्रद्धा है बाकी तुम तीस मार खाम बन के शेखी मत बघारो कि हमको भगवान में श्रद्धा थी या लिए हमारा उद्धार भयो। श्रद्धा तुम्हारी है ही नहीं, श्रद्धा भगवान की दी भैया। कितनी बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कही। श्रद्धा तुम्हारी है नहीं, श्रद्धा तो भगवान ने तुमको गिफ्ट के रूप में दी है। तुम बोस्टिंग क्या कर रहे हो बाकी कि तुम्हारा उद्धार श्रद्धा से भयो, श्रद्धा से तुम्हारा उद्धार भयो, वो भी तुम्हारा नहीं है, वो भगवान के कृपा को तुम्हारे भीतर श्रद्धा के रूप में व्यापार प्रकट भयो है। अपने को अवांतर व्यापार कहें, बस अंतर इतना सही है। ये तो उनको मूल सिद्धांत है क्रिश्चियनिटी को, बाइबल में सुहाई भाई बात है। वाके बाद इग्नोशियस लॉयोला क्या कह रहे हो वो देखो, टेक लॉर्ड एंड रिसीव ऑल माई लिबर्टी। भगवान को प्रार्थना करे, ये वो चैप्टर में है कि भगवान को प्यार कैसे करनो, कैसे करो ध्यान भगवान को तो भगवान में अपने को प्यार उत्पन्न होवे, वो प्यार उत्पन्न करने के लिए कैसे तरीके को ध्यान धरनो
वो ध्यान धरने की इग्नोशियस लोयला प्रार्थना बता रहे हो। सबसे पहली प्रार्थना वो कहे कि टेक ओ लॉर्ड एंड रिसीव, सिर्फ ले नहीं मत, ले ही मत लो, एक्सेप्ट भी करो। टेक ले लियो पर अपने पास नहीं रखी तो बेकार जाएगी ना। तो कह रहे हो कि टेक लॉर्ड एंड रिसीव ऑल माई लिबर्टी, मुकु मेरी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, तेने दी है मुकु स्वतंत्रता। उनको सिद्धांत है कि भगवान ने जीव को स्वतंत्रता और बुद्धि दी है। वो कह रहे हो कि भक्ति यदि करनी है तो दासो हमको भाव आना चाहिए, स्वतंत्रता को भाव से भक्ति नहीं हो सकेगी। टेक ऑल माई लिबर्टी, टेक ऑल माई मेमोरी, मेरी सारी स्मृति तू ले ले, आई शुड नॉट रिमेंबर एनीथिंग एक्सेप्ट यू। टेक ऑल माई मेमोरी, टेक ऑल माई अंडरस्टैंडिंग, इतनी मीठी बात कह रहे हो, मेरी सारी समझ तू ले ले। टेक ऑल माई विल, मेरी सारी इच्छाएं तू ले जा, मुझको अपनी इच्छा नहीं वापरनी है। एंड ऑल दैट आई हैव एंड पजेस, जो कुछ मेरे पास है अहम ममता के नाम पे, अहंता ममता के नाम पे, यू टेक इट अवे एंड एक्सेप्ट इट, डोंट थ्रो इट आउट, एक्सेप्ट इट। कि आज से मेरी ये सारी फैकल्टी तेरे तू ले ले और तू तेरे पास संभाल के रख। देखो समर्पण को सिद्धांत है, हो ध्यान से समझियो, एकदम समर्पण को सिद्धांत है। श्रद्धा के बाद समर्पण, जो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि निवेदि भी समर्प्य व सर्वम कुर्यादिति स्थिति, सेवा को वो प्रकार होना चाहिए। वो आख प्रकार इग्नोशियस लोयोला लगभग वही वक्त को है, ये थोड़े से 150 बरस के अंतर में महाप्रभु जी से भयो, ये शायद 100 बरस के अंतर बाद में भयो। यू लॉर्ड हैव गिवन मी ऑल दैट टू मी, तेने मुको दिए थे और मेरे काम नहीं आए अच्छी तरह से, मैं इनको यूज अच्छी तरह से नहीं कर पायो। अब मैं कन्विंस्ड हूं कि मैं इनको अच्छी तरह से यूज नहीं कर पायो, यू डिजर्व इट, आई डोंट डिजर्व, ऐसे कह रहे हो, मैं डिजर्व नहीं करूँ, तेने दियो मुको, आई एम थैंकफुल टू यू, बट टेक इट बैक एंड कीप इट विथ यू, यू डिजर्व इट, आई डोंट डिजर्व। ऑल दैट इज योर्स, डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू योर ओन विल, और तुकु जो करना है इनको वो तू कर, तो फिर तू क्या करेगा? इग्नोशियस लोयला फिर क्या करेगा? तो इग्नोशियस लोयला कह रहे हो गिव मी लव, उनको स्नेह देना तेरा, गिव मी लव ऑफ योर सेल्फ अलोंग विथ योर ग्रेस। खाली स्नेह नहीं चाहिए, तेरी कृपा और तेरा स्नेह दोनों मुको दे, वो दोनों मुको दे दियो, फॉर दैट इज इनफ फॉर मी। तेरा लव, तेरी कृपा मुको मिल गई, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग मोर, दैट्स इनफ फॉर मी। या तरीके को तुम ध्यान करो, इग्नोशियस लोयला के है, तो तुमको भगवान से स्नेह हो सके। माने मूल ये भाव तुम्हारा होना चाहिए, इफ एट ऑल तुमको भक्ति करनी है तो। आपका मतलब इग्नोशियस का ये है कि ये भाव तुम्हारे भीतर है तो तुम भक्ति करने के लायक हो, और ये भाव तुम्हारे भीतर नहीं है तो तुम भक्ति करने के लायक नहीं हो। ये जो बात अपन कह रहे हैं, जो अपन ने इंटीग्रिटी बताई, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति निरोध की, यदि सिर्फ यही बात है तो देखो वो बात वहाँ कैसे कही गई है, कोरिलेट करो, कोरिलेट करो तो पता चलेगा कि इग्नोशियस लोयला बहुत अलग बात नहीं कह रहे हो जो अपन बात कह रहे हैं, वही कई आसपास की बात है। भाषा एक्चुअली तो ये वहाँ की भाषा नहीं है, वहाँ की भाषा तो स्पेनिश है, स्पेनिश तो मुझको आवे नहीं, तो मैंने वहाँ को इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके सामने बताया, बहुत मीठी बात है। नेक्स्ट मोमेडनिज्म, इस्लाम, कुरान जो है वो तो अल्लाह की खुद की कही भई है,
ऐसे उनको सिद्धांत है। कुरान में एक बहुत अच्छी आयत है और वो आयत में भगवान मुसलमान को कुछ कहना चाह रहे हो, अल्लाह कोई बात मुसलमान को समझाना चाह रहे हो कि मुसलमान को जैसे अपन अपना स्वरूप बोध को उपदेश दें ना ब्रह्म संबंध में, स्वरूप स्मरण करावें, ऐसे अल्लाह जो मुसलमान है वाकु स्वरूप स्मरण करा रहे हो कि तुम क्या हो। वो स्वरूप स्मरण कराते वक्त कहे भयो अल्लाह का वचन है ये, वहाँ में कह रहे हो कि कुंतुम खैर उम्मतीन उखरिजत लिन्नासी, मतलब क्या कि मैंने जितने मनुष्य बनाए हैं उन सब में तुम सबसे अच्छे हो। भगवान अपना प्यार प्रकट कर रहे हो। कुंतुम खैर, खैर अच्छे, खैर माने अच्छे, कुंतुम खैर उम्मतीन उखरिजत लिन्नासी तामुरुन बिलमरूफी व तहोन अनिल मुनकरी। कितनी क्यों तुम अच्छे हो वो कारण अल्लाह बतावे है कि तुमको मैंने सच्चे धर्म आचरण सुयुक्त कियो है, मैंने युक्त कियो है तुमको सच्चे धर्माचरण से, तुम नहीं कर रहे हो, बात ध्यान से समझो, तुम नहीं धर्म कर रहे हो, मैंने तुमको सच्चे धर्म के विधि निषेध सु जोड़ियो है और मैंने तुमको अधर्म पाखंड सु बचायो है, करके तुम पाखंडी नहीं हो, तुम अधार्मिक नहीं हो। तमून बिलमरूफी व तनहोन अनिल मुनकरी, मुनकरी माने पाखंडी होना, तुम मुनकरी नहीं हो। लास्ट में अल्लाह क्या कहे देखो, वनु अमीनुन बिल्लाही, तुम हो, तुम ऐसे हो कि तुम अल्लाह में मान रहे हो, दुनिया कहां मान रही है अल्लाह को, तुम अल्लाह को मान रहे हो, तुम अल्लाह को चाह रहे हो, यानी तुम मेरे चोजन हो। आयो वरण, वरण की बात आई ना पूरी, वरण के कारण जो धर्म प्रकट हो रहे हो है, मैंने यही लिए बताया कि परमात्मगत जब धर्म को हेतु और प्रयोजन है तो ये लक्षण प्रकट होएगो, अपने जो पूर्वगत परगत या स्वगत जो धर्म के हेतु और प्रयोजन है उनमें ये बात प्रकट नहीं हो सके, कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोचा हो जाए और हो जाए। ये आँखों एक पर्सपेक्टिव है जो अपन ने देखियो कंपेरिटिव अपने धर्म के और दूसरे धर्मन को, थोड़ा यहाँ इंटरवल करें बाकी बाद आगे करेंगे। आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो अभी प्रश्न पूछ सको हो और आगे चलना न हो तो आगे चलाएंगे विषय। वो जुंग के जो पर्सपेक्टिव है ना कॉन्शियसनेस के थिंकिंग, वो ग्राफ ला दे। कुछ
मैं कर लूँ। या मैं थोड़ो अंतर आ गयो ड्राइंग में, ये हिस्सा यो आना चाहिए, ऐसे हो सकेगा तोसु? ये नहीं यो, और ये जो है वो एक या की तरफ, एक ऐसा यो पेटल या तरफ। हाँ, थोड़ो अभी और स्कोप है, ये मुको ऐसे दिख रहे हो, हाँ बस थोड़ो ही हो, हाँ माने ये थिंकिंग को पत्र रहना चाहिए, ये सेंसरी थिंकिंग को, ये इंट्यूटिव थिंकिंग को, ये इंट्यूशन को, यो बस वैसे तो बराबर हो गयो। अब मेरी अपेक्षा या में क्या है कि ये पेटल, ये पेटल, ये पेटल और ये पेटल स्ट्रांग हैं और ये लाइट हैं, तो कैसे वकूफ करना? कुछ कलर कर दे तो अपने आप वो इनको कलर कर दे, उनको ब्लैंक रहवे दे, या अल्टीमेटली फिर उनको ग्रे एरिया बनाइयो वाह और वाह कलर के, तो वो पूरी बात पिक्चर साफ हो जाएगा। अब देखो, हमें समझने की बात ये है, सेंसरी थिंकिंग और इंट्यूटिव थिंकिंग में अंतर क्या? सबसे पहले तो अंतर, क्योंकि थिंकिंग की प्रोसेस बेस्ड ऑन सेंसेशन, थिंकिंग की प्रोसेस बेस्ड ऑन इंट्यूशन, तो थिंकिंग की प्रोसेस जो इंट्यूशन से स्टार्ट भई है, वहां में क्या है कि इंट्यूटिव थिंकिंग होने को मूड आएगा, और जो सेंसेशन से स्टार्ट भई है थिंकिंग की प्रोसेस, वो थिंकिंग की प्रोसेस जो है वहाँ में सेंसरी जो एलिमेंट हैं वो बोलेंगे। आपको एक बहुत अच्छे उदाहरण, शिशुपाल वध में, अभी मुझे कुछ लोग याद नहीं आ रहे हो पर बता दूंगा तुमको, मैंने यहाँ एक दो वक्त बताया भी है, तो वहाँ मैं
नारद जी आकाश मार्ग से आ रहे हैं और आकाश मार्ग से आ रहे हैं तो शुरुआत में दिखे नहीं है कि कौन आ रहे हो है, क्या आ रहे हो है। हाँ, क्रमादमुम नारद इत्यबोधि स पुरुषावयव पृथक वपु क्रमादयम नारद इत्यबोधि स, ऐसे वहाँ में आवे। मैंने यहाँ दो तीन बखत बताया वो, तो अपन देख सकें कि जैसे दूर से आ रही है, दिख रही है पर बाकी डिटेल नहीं दिख रही है, तो अपने को कन्फ्यूजन हो। जब भी कन्फ्यूजन हो तो अपनी थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। एक जैसे कल मैंने शायद बताया तो कि अच्छो तर्क वही दे सके कि जहाँ में अच्छी श्रद्धा है, ऐसे अच्छो विचार तभी पैदा हुए कि जब अच्छो कन्फ्यूजन हुए। विदाउट कन्फ्यूजन देर कैन नॉट बी थिंकिंग। इफ यू डोंट फील कन्फ्यूज यू कैन नॉट थिंक। थिंकिंग प्रोसेस को हेल्दी रूप में स्टार्ट करने के लिए कन्फ्यूजन इज ए प्राइम रिक्वायरमेंट। पर अंतर सिर्फ इतना ही है कि कॉन्शियस लेवल पे अपने को कन्फ्यूजन फील हो तो होए ना, तो थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। और अनकॉन्शियस लेवल पे अपन कन्फ्यूज हुए तो अपन कन्फ्यूजन को ही अपनी समझ मान के चलते हुए कि हाँ ऐसा ही है। पता नहीं देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, पर एक वक्त ऐसा भयो कि कोई बालक से मैंने पूछी कि आपके यहाँ आपके ठाकुर जी पब्लिक ट्रस्ट हैं कि प्राइवेट हैं। उनकी बिल्कुल प्राइवेट हैं। अब मेरे को ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि पब्लिक ट्रस्ट हैं। बालक झूठ बोले वो भी मुकु नहीं समझ में आई, तो चेक करने के लिए मैंने पूछी कि आपको चैरिटी कमिश्नर को हिसाब नहीं देना पड़े। बोले देना पड़े ना। तो मैंने कि ऐसो कैसे प्राइवेट है। बोले ऐसो ही प्राइवेट है। अब देख कन्फ्यूजन है वहां को भी उनको क्लैरिटी नहीं है। तो कन्फ्यूजन जब अपन को फील हो ना कॉन्शियस लेवल पे, कहीं अपने को डंक तो होए कि क्या है या मैं ट्रुथ, तब जाके विचार की प्रक्रिया स्टार्ट हो। कन्फ्यूजन अपने को डंक तो ही नहीं होए तो विचार की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं। माने अनकॉन्शियस लेवल पे जो भी कन्फ्यूजन है वो विचार को बढ़ावे नहीं है, पर कॉन्शियस लेवल पे यदि कोई कन्फ्यूजन फील भयो तुरंत विचार की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। एक बात ध्यान से समझ के मनुष्य में ही नहीं सब ह्यूमन स्पीशीज में भी कई वक्त तू एक्सपेरिमेंट करके देखियो। जानवरन को थोड़ा सा कंफ्यूज कर, जैसे ही कंफ्यूज करें ना तुरंत जानवर तुरंत वापस सोचना शुरू करें कि आखिर क्या मतलब है आपको। मैंने कई जानवरन के साथ यह बात की एक्सपेरिमेंट करके देखियो कि उनमें कैसे तुरंत विचार की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए। तो बस बस थैंक्स अ लॉट, देयर यू आर। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो अब यहाँ में देखो समझो कि सेंसरी सेंसेशन अपने को हो रहे है, वह सेंसेशन में पाछे कुछ कन्फ्यूजन अपने को होएगो ना। जो भी कुछ थॉट आएगो वो सेंसरी थिंकिंग के रूप में आएगो, बिकॉज ऑल द टाइम तुम्हारी थॉट प्रोसेस वो सेंसेशन के कारण जो स्टिम्युलेशन हो रहे है वाकई एनालिसिस में तुम पढ़ोगे। आ रहे है वो क्या है, मनुष्य के भूत प्रेत पिशाच है। सडनली एक जंक्चर पे तुमको थोड़ी प्रॉक्सिमिटी के बाद क्लैरिटी भाई कि नहीं ये तो मनुष्य है, पर अभी ये क्लैरिटी नहीं हो रही है कि स्त्री है कि पुरुष है, फिर पास कन्फ्यूजन बने रहेगो। फिर थोड़ा और क्लैरिटी भाई तुमको होगो कि नहीं पुरुष है स्त्री नहीं है, और पुरुष है तो नाम क्या है वय क्या है, वो क्लैरिटी नहीं होगी। और थोड़ा पास आयो तो फिर और तुमको वो बात ही क्लैरिफाई होंगी। तो इन सारी बातों को एसर्टेन करने के लिए जो थॉट प्रोसेस चले है ना वो सेंसरी थिंकिंग है।
बिकॉज हर वक्त थिंकिंग में तुम अपने सेंस डेटा को एनालाइज कर रहे हो कि ये क्या है, ये क्या है, यदि ऐसा है तो ऐसे कैसे। मैं एक संगीत के प्रोग्राम में गया तो और ऐसा भयो के पीछे वाले मुझको धक्का मार रहे थे कि आगे बढ़ो, बड़े बड़े बाल एकदम औरताना हिप, अब इनकी आगे बढ़ूँ तो बैठी भई है लड़की, मैं कहूँ कैसे आगे बढ़ूँ, वो कह आगे बढ़ा, मैं भाई आगे कैसे बढ़े बैठे। तो हम दोनों ने झगड़ा किया तब वहाँ ने पीछे मुड़ के देखो तो मुझ वालो लड़का, तो मैंने क्या बढ़ा आगे वो क्या आगे बढ़ा, लड़की आगे बैठी हुई एकदम ऐसे लड़की नुमा बाल ऐसी बड़े बड़े हिप, तो लड़की बैठी वो कैसे आगे बढ़े यहाँ, पीछे तुम खेर आगे बढ़ो, लड़की बैठी बापू हम झगड़ने लगे तो आने पूछे मुड़ के देखे उनके अब बढ़ो आगे, चिंता की बात नहीं है। तो ये देख एनालिसिस है ना, सेंसरी एनालिसिस होती है, बात सही समझ में, वो सेंसरी है, सेंस डेटा की मैंने एनालिस, पहले भी मैं सेंस डेटा को एनालाइज कर रहे हो तो भाई पीछे से बैक वाकी ऐसी नहीं लग रही थी कि वो लड़का है, जब वाने मुड़ के देखे मूछ दिखी तो मैंने की अच्छा अच्छा क्रमादम नारद इत्यपोधि से चलो बढ़ो आगे, फिर अपन भी आगे बढ़ गए प्रोग्राम में। तो ये सेंसरी थिंकिंग की प्रक्रिया है आई ना, जहाँ अपन सेंस डेटा की एनालिसिस करें, मगर जहाँ अपन अपने इंट्यूशन की एनालिसिस कर रहे हैं, अपने पास सेंस डेटा कुछ भी नहीं है, इंट्यूटिवली तुमको ऐसे फील हो रहे हो। अब देखो एक बात ध्यान से समझो के एप्पल को गिरनो, एप्पल के गिरने पे कोई डेटा सामने आयो, एप्पल गिर रहे है, एप्पल गिर रहे है, वो एप्पल अपने वजन के कारण गिर रहे है कि पृथ्वी वाकू पुल कर रही है वालिए गिर रहे है, वो एनालिसिस जो थी वो सेंसरी थिंकिंग थी, ख्याल में आयो। पर वापस जो ये कंक्लूजन आयो कि या लिए पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो बहुत लेटर ऑन जाके एक एक्सपेरिमेंट से सिद्ध भई, छोटे बड़े दो गोला और पंख को गुड़काए और तब साथ गिरे, तब वो प्रूव भई। तो प्रमाण पीछे से आयो है, पहले इंट्यूटिव थिंकिंग वाकु भई कि देयरफॉर There must be some gravitational force in Earth, mass. वो intuitive thinking आती और वहाँ वाकई philosophy count हो रही है, science नहीं। देखो बहुत बारीक line है science और कि scientist भी कोई fact पे जा वक़्त intuitively arrive हो रहे है वह वक़्त वो philosophical thinking कर रहे है, जब वाके वो experiment कर रहे है, जब वाके वो ऑब्जर्वेशन करके डेटा काढ़ रहे हो और डेटाबेस कंक्लूजन दे रहे हो, तब वो फिलोसफी नहीं रह के साइंस हो जा रही है। तो जब वाके एक्सपेरिमेंट किए वाको इंट्यूटिवली जो कंक्लूजन आयो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, अब पाछे कंफ्यूजन हो गया ना कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे करने चाहिए जिन एक्सपेरिमेंट करने से सकें। तो मैं समझूं कि आज बात क्लियर होनी चाहिए और इंट्यूटिव फीलिंग, सेंसरी फीलिंग और इंट्यूटिव फीलिंग में अंतर, सेंसरी फीलिंग जैसे अपन ने समझ ले ठाकुर जी के श्रृंगार किए, श्रृंगार दोनों तरह के हो सके, कोई श्रृंगार ठाकुर जी को ऐसा हो सके कि जाके कारण ठाकुर जी को मुखारविंद गंभीर हो जाए, कोई बखत श्रृंगार ऐसे हो जाए कि ठाकुर जी को मुखारविंद गंभीर होने के बजाय मुस्कुरातों से लगने लगे। ये जो दोनों फीलिंग है ना वो सेंसरी फीलिंग है, आयो ख्याल में। पर कोई श्रृंगार नहीं कियो है
कुछ नहीं किया है, इंट्यूटिवली अपने को ऐसे फील हो रहे हो कि आज ठाकुर जी को कुछ परिश्रम भयो लग रहे हो है, आज ठाकुर जी प्रसन्न है, तो वो इंट्यूटिव फीलिंग। वहाँ में कोई सेंस डेटा अपने पास में अवेलेबल नहीं है, पर भीतर अपने को कुछ लग रहे हो कि आज कुछ परिश्रम हो गया, आज कुछ ऐसे हो गया, तो वो इंट्यूटिव फीलिंग हो गई। आया ख्याल में? ठाकुर जी की बात जानने दे, अपने डे टू डे बिहेवियर में भी बहुत सारी, जैसे एक बात बताऊं, जैसे कोई चीज़ तेरे को खाने के लिए पेश की गई, कोई चीज़ को रूप ऐसा है कि वह को देख के अपने को सेंसरी फीलिंग हो कि खाने लायक होगी, कोई चीज़ को रूप ही ऐसा अपने को दिखे, देख के ही सूग आ रही हो, भले स्वादिष्ट अच्छी हो, पर सेंसरी फीलिंग वाकई अपने को देखते ऐसे फील हो कि कुछ सूग आ रहे ऐसी चीज है, तो वो फीलिंग जो है ना कि अच्छी है कि सूग आ रही है, सेंसरी फीलिंग है। पर कोई वक्त इंट्यूटिवली भी अपने को ऐसे फीलिंग होती हुए हैं कि मज़ा आ रही है, कोई वक्त इंट्यूटिवली अपने को फील हो कि नहीं मज़ा नहीं आ रही, दुख हो रहे हो, मैंने अपन वाके साथ पढ़ेंगे या काम में पढ़ेंगे और अपने को दुख होएगो, अभी तो पढ़े ही नहीं हो, वाके पहले तुमको दुख कैसे, जजमेंट आ रहे हो, इंट्यूटिव फीलिंग के कारण कि ये काम करेंगे तो हमको तकलीफ होने के चांस है, तो वो इंट्यूटिव फीलिंग के कारण हो गए। तो या तरह से ये इनको ग्रे एरिया है, फीलिंग को और इंट्यूशन को, और ये सेंसेशन को और फीलिंग को ग्रे एरिया है, ऐसे ये सेंसेशन और थिंकिंग को ग्रे एरिया है, और ये इंट्यूशन और थिंकिंग को ग्रे एरिया है, ये चार जो हैं वो ग्रे एरिया हैं, और ये प्योर पर्सपेक्टिव हैं। ऐसे नेक्स्ट, स्वत्व पूरकत्वेन और स्वत्व घटकत्वेन। स्वत्व पूरक, जैसे समझ लो तुम चाय पी रहे हो, चाय को एक अपना टेस्ट है, ख्याल में आयो, वो टेस्ट अपन समझे दूध के साथ पीते हुए, तो दूध व चाय के टेस्ट के स्वत्व को पूरक है, चाय के टेस्ट को घटक नहीं है, क्योंकि शुद्ध चाय बिना दूध मिली भाई, बिना शक्कर मिली भाई पीनो, कोई अलग टेस्ट है, नॉर्मली जैसे अपन पिए। अब जैसे कई लोग दूध में चाय उकाल के पिए, कई लोग पानी में चाय उकाल के वहाँ में दूध डालें, अब उनको अलग अलग स्वत्व हैं, और चाय को दोनों चाय के स्वत्व अलग हैं, अक्सर दूध में उकली हुई चाय को एक घूंट लेते ही उपका से मुकवाते हुए मैं अपनी बात बताऊं, दूध में उकली चाय, दूध में उकली कॉफ़ी, ऐसे एक घूंट लेते ही ऐसे उपका से आवें, और पानी में उकली चाय या कॉफ़ी हो तो वह के उपका नहीं आवें, पता नहीं क्यों, मेरे हृत्कर्ण रसायन जिह्वा रसायन वाह ढंग को है, तो कई लोग प्रिफर करते हुए उनको मैंने हाँ तो कोई टमटम वादी हूँ मैं, और मैं कमकम वादी हूँ तो वहाँ को स्वत्व को पूरक वो हो जाए, ख्याल में हो? पर जैसे चाय के कुछ फ्लेवर हैं, कॉफ़ी के फ्लेवर हैं, अलग अलग चाय की वैरायटी के, वो चाय को जो स्वत्व है वाके घटक है, वो तुम फ्लेवर तुमको चाय या कॉफ़ी पीते ही वो फ्लेवर वाको ख्याल में आएगा कि अच्छा ये वो कॉफ़ी है, जैसे वो ब्रू कॉफ़ी, और फिर वो कौन सी दो चार वैरायटी बोलो, नेस कॉफ़ी हैं,
कैपेचिनो, तो उन सब के अलग अलग टेस्ट हैं। अब वो टेस्ट के घटक अलग अलग तत्व हैं ना, हैं सब कॉफ़ी पर उनके घटक अलग अलग तत्व हैं, तो वो सत्व के घटक हैं। ऐसे कुछ अपने सत्व के घटक हुए हैं, कुछ अपने सत्व के पूरक हुए हैं। उपनिषद ने एक बात बड़ी मज़ेदार कही है, जहाँ ये कहो है कि स एकाकी न रमते स द्वितीयम इच्छत स आत्मानम द्वेधा पातयत पतिश्च पत्नी चा भवताम। वाक्य बाद उपनिषद ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट, अक्सर अपन कोट नहीं करें क्योंकि अनावश्यक है वो स्टेटमेंट फिलोसफी में, पर अदरवाइज वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। उपनिषद वाक्य बाद एक कंक्लूजन को स्टेटमेंट है, तस्माद अयम अर्धवृगलोयम पुरुष। ये जो पुरुष है वो अर्धवृगल है, वन हाफ है, द अदर हाफ माने पत्नी है तो वन हाफ है और पति है तो वन हाफ है, अर्धवृगल हैं ये दोनों। तो उन दोनों की पूरकता एक दूसरे से ही है, जब तक वो पति नहीं है तब तक वो पति नहीं, पत्नी नहीं होएगी, पत्नी नहीं होएगी तब तक पति नहीं होगी। तस्माद अयम अर्धवृगल अयम पुरुष, जाके कारण अपने यहाँ अर्ध नर नारीश्वर महादेव जी बने, जाके कारण ठाकुर जी के भी अपने राधा जी स्वामी जी के अर्धवृगल स्वरूप बताए जाएं, कि एक चरण ठाकुर जी जो ठाड़े हैं वहाँ में एक चरण खुद को वापर रहे हैं और एक चरण स्वामी जी को वापर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं तो हमें एक श्रेयस्थ खुद को वापर रहे हैं, दूसरा श्रेयस्थ स्वामी जी को वापर रहे हैं, ये अर्धवृगलता। तो जो अर्धवृगल है वहाँ पूरकता है, सत्व की पूरकता है। एक सच्ची बात कहूँ तो अपन ने अभी तक के जितने प्रवचन में ये जो आखिर सिस्टम देखने का प्रयास किया हो, श्रद्धा रतिर भक्ति और निरोध, ये सब अर्धवृगल हैं। हों मैं जितने एम्फेसाइज कर रहे हूँ वो सिर्फ यही बात को बताने के लिए कि ये सब अर्धवृगल हैं, अर्ध नहीं कह के इनको अर्धार्ध क्वार्टर वृगल को, तो ये सब क्वार्टर वृगल हैं। ये उनकी संपूर्णता इन चारण के इंटीग्रेटेशन में ही हैं, इनको यदि ब्रेक डाउन किया तो ये सब अर्धवृगल क्वार्टर वृगल हो जाएंगे, पाद वृगल हैं। तो यदि तुमको ज़्यादा नहीं विस्तार चाहिए तो, इतने में मैं जो प्रवचन कर कियो है और जो प्रवचन करने वालों हूँ, या मैं बात आ गई कि श्रद्धा रति भक्ति और निरोध, या यमुना जी स्वामी जी महाप्रभु जी और कृष्ण, ये सब पाद वृगल हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक को भी काट्यो सबके सब खत्म हो जाएंगे, चारों रहेंगे तो चारों काम कर सकेंगे। मेरे या सारे शिविर के प्रवचन को हेतु भी ये है और प्रयोजन भी ये है। यदि ये बात तुम कन्वे हो गई तो मेरा प्रयोजन सिद्ध हो गया, और ये बात नहीं कन्वे हुई तो मेरा हेतु और प्रयोजन दोनों फॉल्सिफाई हो गए। बस इन नटशेल यही बात है। तो मैं समझूं इनको सत्व जो है वो चार नहीं हैं। जा बखत महाप्रभु जी यूँ कहें कि प्रमाणं तत्चतुष्टयम्, वा बखत प्रमाण को महाप्रभु जी अर्धवृगल मान रहे हैं, ये बात समझो। प्रस्थानं चत्वारी प्रस्थानानी नहीं कह के प्रमाणं तत्चतुष्टयम् जा बखत कह रहे हैं, तो हर प्रमाण अपने आप में वृगल है, अर्धवृगल है, वो दूसरे प्रमाण कॉम्प्लीमेंट्री प्रमाण से वो कंप्लीट हो रहे हो। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, कि जो वाकु कंप्लीट करते हो वो कॉम्प्लीमेंट्री। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री है माने श्रुति को कॉम्प्लीमेंट्री गीता है, गीता को कॉम्प्लीमेंट्री ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र को कॉम्प्लीमेंट्री भागवत है, वो सब मिलके कंप्लीट एक सिस्टम बन रही है। प्रमाणम तत्चतुष्टयम् उत्तरम पूर्व संदेह वारकम परिकीर्तित। तो ये अर्धवृगलता को सत्व घटकता को, प्रमाण के सत्व के घटक ये चार हैं, पूरक नहीं है, घटक हैं। और कुछ पूछना है?
हाँ माइक। हाँ वो तेने पुष्टि प्रवाह मर्यादा में प्रश्न उठायो है भूमिका में। देख अपने यहाँ को जो सिद्धांत है ना बाकी नाजुक नजाकत समझ क्या है। जैसे अभी अपन ने इग्नोशियस लॉयोला में एक बात देखी कि भगवान तेने मुकु स्वतंत्रता दी, तेने मुकु मेमोरी दी, तेने मुकु बुद्धि दी, तेने मुकु इच्छा दी, वो सब तू ले ले और मुको सिर्फ स्नेह दे दे। स्वतंत्रता मेरी तू ले ले, स्नेह मुको दे दे, मूल में कारण क्या? क्योंकि उनके यहां जीव परमात्मा को अंश नहीं है, परमात्मा को निर्माण है, क्रिएशन है, पार्ट नहीं है। सटल की बात देखियो तो जब वाने बनायो है, जब वक्त बाइबल यूं कह है, यद्यपि आजकल अब ये लोग नहीं माने हैं वह सेंटेंस को इतनो प्रमाणिक नए क्रिश्चियन लोग, पर पुराने लोग मानते थे वाकू कि देन गॉड क्रिएटेड एडम आफ्टर हिज ओन इमेज। तो आफ्टर हिज ओन इमेज मने जैसो भगवान को इमेज हती, जैसो भगवान को स्वरूप हतो, वह स्वरूप के अनुरूप भगवान ने आदम को बनायो। मतलब कौन से अर्थ में? आदम की शक्ल सूरत के अर्थ में, हाइट के अर्थ में, कलर के अर्थ में। बहुत सारे बेवकूफ क्रिश्चियन ऐसे होते वंस अपॉन ए टाइम, क्यों मानते थे कि परमात्मा गोरो है क्योंकि क्रिश्चियन गोरे हैं। निग्रो लोगन ने हल्ला मचायो कि ये एपार्थाइड है, कलर एपार्थाइड है। फिर उनने कहे कि नहीं नहीं भगवान गोरो नहीं है, और रंग कैंसल हो गया। फिर ये प्रश्न पैदा भयो कि देन गॉड क्रिएटेड एडम आफ्टर इज ओन इमेज। तो आदम जैसे पुरुष हतो ऐसे भगवान भी पुरुष हतो। अब आजकल औरतें वहाँ बहुत कमाती खाती हो गई हैं, वो पुरुष पे डिपेंडेंट नहीं है, मैरिज भी नहीं करना चाहें। उनने अल्लाह मचायो कि तो सेक्स को डिस्क्रिमिनेशन है, उन्हीं की अब क्या करना। तुमने हर बाइबल में सु ही हटा के शी डालें तो पुरुष अल्लाह मचा में, पुरुष ही डालें तो स्त्री अल्लाह मचा में, उनने इट डाल दियो। ही शी रखो, झगड़ा हो तो झगड़ा हो न, तुमने की इट डालो या में न ही है न शी है। अब पाछे अंग्रेजी के कोनोटेशन ऐसे हैं कि इट उनके यहाँ बेजान के लिए वापरो जाए, पाछे ऐसा लग रहे हो कि बेजान है। अब तो जान वाले सब हल्ला मचा में, जानवर हैं एक दिन इकट्ठे होके कि ईश्वर बेजान नहीं है, तब पाछे वो सुधरेगो, नहीं तो वो सुधर नहीं सकेगो।
तो एंड गॉड क्रिएटेड एडम आफ्टर हिज ओन इमेज. अब वो हीज इमेज के हर इमेज के इट्स इमेज, या में भी झगड़ा है पाछो, वहाँ बहुत झगड़ा है. पर हीज इमेज हो कि हर इमेज हो कि इट्स इमेज हो, मुद्दा या में ये है कि ये इश्यू नहीं है वहाँ. भगवान स्वतंत्र है, भगवान सदसत को विवेक करने में सक्षम है, और बहुत सारे जानवर वहाँ ने ऐसे बनाए. उनकी ये थ्योरी है, अपनी नहीं थ्योरी है, माइंड इट, कि जानवर स्वतंत्र नहीं है, सदसद विवेक करने में सक्षम नहीं है. मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, या तो फरिश्ताएं ऐसे हैं कि जो स्वतंत्र हैं और सदसद विवेक करने में सक्षम है, तो वो प्राणी नहीं है. प्राणी में यदि कोई सदसद विवेक करने में सक्षम और स्वतंत्र है तो वो केवल मनुष्य है, या सेंस में आफ्टर हिज ओन इमेज है, नहीं कि या सेंस में पुरुष के या स्त्री के या रंग के या साइज के. या जैसे वेटिकन में जो चर्च बनायो है माइकल एंजेलो ने, तो उन्होंने बहुत अच्छा बनायो कि भगवान को एक बूढ़ो तगड़ो आदमी बनायो. कैसी कैसी समस्याएं पैदा हुए देखो, और आदम को एक जवान नंगो बच्चा बनायो, जवान पर नंगो. तो भगवान कपड़ा पहनते तो यार आफ्टर हिज ओन इमेज ना आदम को भी कपड़ा पहनाने चाहिए थे, आदम को क्यों नंगो बनायो? तो उनकी क्या है कि पुराण कथा में स्पष्ट लिखे हुए कि आदम और ही नंगे घूमते थे, और शैतान ने उनको कही कि एप्पल खाओ. एप्पल खाने के बाद ईव को शर्म आई, तो पत्तांशु वान ने अपने को ढके, वो भगवान ने देख लियो कि तुम पत्तांशु ढक रहे हो अपने अंगन को, तब तुमको शर्म आ रही है, मतलब सत सत विवेक हो रहे हो, तब तुम हेवन में नहीं रह सको, पृथ्वी पर जाओ. तो एक तो बनायो सत सत विवेक से, और फिर पाछे गुस्सा और हो गए. कई तरह के मैंने पैराडॉक्सिस हैं वाह आके क्रिएशन के उनकी स्टोरी में. पर समझने की बात फिर सुबह में यही है उनके थियोलॉजी के हिसाब से, कि सवाल ये नहीं है, सवाल यहाँ ये है कि भगवान पे निर्भर अपनी इच्छा, भगवान पे निर्भर अपना विवेक, के स्वनिर्भर विवेक स्वनिर्भर इच्छा. तो यदि स्वनिर्भर इच्छा तुमको करनी है तो पृथ्वी लोक पर रहो, और भगवान निर्भर इच्छा भगवान निर्भर विवेक तुमको रखना है तो स्वर्ग में रहो. बाकी आखिर थियोलॉजी के पीछे रहो भयो जो दिव्य सिद्धांत है वो ये है कि यदि तुम भगवान निर्भर इच्छा पे, भगवान निर्भर स्वातंत्र पे तुम हो तो तुम स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो. स्वनिर्भर इच्छा स्वनिर्भर विवेक तो फिर स्वर्ग में रहने के अधिकारी नहीं हो, पृथ्वी में रहने के अधिकारी हो. फिर तुम अमर नहीं हो, फिर तुम मॉर्टल हो. फिर तुम जो है वो इच्छा शक्ति से बच्चा नहीं पैदा कर सकोगे, संभोग से बच्चा पैदा करोगे. भगवान में जैसे इतना होता है लेट देर बी लाइट एंड देर वॉज लाइट, लेट देर बी एडम एंड देर वॉज एडम, वह में ऐसे कहने से पैदा करने की शक्ति होती. वो एडम में अपने में कोई संत लोग वैसे मन में फितूर रखे हैं कि आशीर्वाद देने से हो जाते हैं, पर कोई को होवे तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो करवा नहीं पड़े ना. तो आखो सिद्धांत में यह है कि अपनी ये स्वनिर्भर इच्छा स्वनिर्भर स्वातंत्र स्वनिर्भर विवेक के कारण अपन स्वर्ग में रहने के अधिकारी नहीं है, पृथ्वी पर रहने के अधिकारी. और भगवान निर्भर इच्छा भगवान निर्भर विवेक भगवान निर्भर अपनो तंत्र भगवत तंत्र यदि अपन है तो अपन स्वर्ग में रहने के लिए एलिजिबल हैं. ये जो थियोलॉजिकल वाको डायमेंशन है बहुत रिच डायमेंशन है. मैंने कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि जहाँ में अपन को इनकारने की इच्छा हुए, बात समझ में आई ना. पर जो स्टोरी के लेवल पे जो बात आ रही है कि फिर वाको निकाल दियो कि सुनते आए थे खुल्द से आदम का निकलना, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो वो एक अलग ही आखिरी स्टोरी बन जाए. सो तेरा जो प्रश्न है वो क्या है एग्जैक्टली? मार्गन, मार्गन
अच्छा, तो देख, तो अब ये बात समझ के अपने में जो भी सामर्थ्य हैं, चाहे पुष्टि की, चाहे मर्यादा की, चाहे प्रवाह की, महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा में वहाँ को खुलासा कर दिया है कि मनसा प्रवाहम सृष्टवान, वचसा वेद मार्गम और पुष्टि कायेन निश्चय। 99% लोगों की यहाँ में मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि वो बाइबलिकल सेटअप में वो सोचे हैं कि लेट देर बी मर्यादा जीव एंड देर वॉज मर्यादा जीव, एंड ही थॉट लेट देर बी प्रवाही जीव एंड देर वर प्रवाही जीवात, और पुष्टिंग कायेन निश्चय माने काया में से कोई एक दूसरी काया निकल गई और बाहर आके प्रकट हो गई, खोटी बात है। ये बात नहीं है वहाँ, ये जीव जितने भी हैं प्रभु के, वो प्रभु के चिदंश हैं। उन चिदंश में आनंदांश को तिरोभाव भयो है। तिरोभाव होने के बाद उनको पंचपर्वा विद्यासु जा बखत संपर्क हो रहे है, अविद्यासु वा बखत भगवान के द्वारा कियो गयो उनको वरण कि ये प्रवाही जीव है, कि ये पुष्टि जीव है, कि ये मर्यादा जीव है, लिहाजा या को उद्धार मैं प्रवाहसु करना चाह रहे हूँ, मतलब प्रलयसु करना चाह रहे हूँ, कि मर्यादा के शास्त्रोक्त तो मर्यादासु या को उद्धार करना चाह रहे हूँ, कि स्वरूपतः या को उद्धार करना चाह रहे हूँ। तो भगवान के पार्ट में ये जो इच्छा कि मैं या को प्रलयसु उद्धार करना चाह रहे हूँ, या को भगवान प्रलयसु उद्धार करना चाहें, वो प्रवाही जीव है। मैंने आपको बताया कि गीता में भगवान बहुत गर्म भाषा बोल रहे हैं, खाली पीली काय को बूम मारता है, यो कहने की इच्छा हो जाए ठाकुर जी को अपने को, क्षपाम्य जस्रम अशुभान आसुरेश्वे योनिसु आसुरीम योनि मापन्ना मुड़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य इव कौनते तत यान त्यधमाम गतिम। अपने को खाली पीली काय को बूम मारता है। महाप्रभु जी ने वह बात को कैसे कही, कृष्ण स्यात्म रत तस्य लय सर्व सुखाव, एकदम माँ की भाषा आ गई। खाली पीली बम मारता की सारी पॉलिसी हल्की कर दी महाप्रभु जी ने, कृष्ण स्यात्म रत, कृष्ण को जा दिन आत्मरति की इच्छा होगी सबको मजा आ जाएगी, सर्व सुखाव लय हो जाएगा। तो कृष्ण को प्रलय सु उद्धार करने की इच्छा, कृष्ण की शास्त्र मर्यादा से उद्धार करने की इच्छा, और कृष्ण की शास्त्र मर्यादा से भी नहीं और प्रलय से भी नहीं, स्वरूपतः उद्धार करने की इच्छा। अब वो स्वरूप पाछे दो तीन तरह के हैं, एक स्वरूप अवतारी, एक अवतार, एक अवतार में पाछो नाम और रूप, इतने तरह के स्वरूप हैं। उनमें से जा स्वरूप सु प्रभु को उद्धार करने की, मैंने तारतम्येन तारतम्यम भजंती ही, भगवत तारतम्येन तारतम्यम भजंती, भगवान ने अपने बारे में जो इच्छा करी कि या को मैं अवतारी रूप से उद्धार करूं, तो वो अवतार काल में प्रकट होंगे, अवतार काल में, अवतार रूप से, अवतार में भी रूप से नहीं करके नाम से करूंगो, तो उनको जैसे वाल्मीकि को उद्धार राम मरा मरा करके राम राम सु हो गए, तो नाम सु करनो, नामात्मक स्वरूप सु करनो के रूपात्मक स्वरूप सु करनो, मूल रूप सु करनो के अवतीर्ण रूप सु करनो, वो भगवान में ने अपने बारे में जो तारतम्य विचार्यो वह तारतम्य को वो पुष्टि जीव रिस्पॉन्स देवे है। वो जो वाको रिस्पॉन्स है वो वाको मार्ग है। हाँ, वो जो रिस्पॉन्स दे रहे हो है वो वाको मार्ग है। यदि रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो है, मार्ग खत्म हो गया। बात ख्याल में ही ना, जैसे तू और मैं कहीं दूर मिल जाए अचानक, अनइन्फॉर्म, अचानक मैं तेरे को हिला पाड़ू, मनोज बाबा मनोज बाबा, तू रिस्पॉन्स दे रहे हो तो तुमको मेरे आने तक मार्ग मिल जाएगा, और तू बेसुनी करके जा रहे हो मार्ग खत्म हो गया। तू मुझको हेला पाड़ रहे हो, मैं तो को रिस्पॉन्स दे रहे हूँ, तो मैं तुरंत दौड़ के तेरे पास आऊंगा।
कदम चढ़ कान बुलावत गईया, गायें रिस्पॉन्स दे रही हैं ठाकुर जी को, तो सब पुष्टि जीव है। श्रीनाथ जी की पीठिका में गायें रिस्पॉन्स देवे, धूमरी बुलावत, धोरी बुलावत, धूसरी बुलावत, जो गाय रिस्पॉन्स दे रही है तो सब ताली बजा रहे हैं भक्त लोग के, हाँ अच्छी गाय खिलाई, रिस्पॉन्स दे रही है ना, रिस्पॉन्स दे रही है तो बस मार्ग हो गया प्रकट, रिस्पॉन्स नहीं दियो तो मार्ग अवरुद्ध हो गया। मूल में वो इच्छा प्रभु की खुद के बारे में है, वाको अंश में आत्मरति तो है, आत्मरति भी है। अपन ने देखियो श्रद्धा कहीं कहीं अलग हो जाएगी, वह मूल रूप में श्रद्धा हो, उपदेशक कोई कोई अलग मिल जाएंगे जो अलग अलग उपाय बताएंगे, साधना बताएंगे, तो कोई महाप्रभु जी जैसा अपने को उपदेश मिल जाए कि जो पाछो कृष्ण की तरफ ले जा सकते हो, तो बस अपन को रिस्पॉन्स प्रॉपर हो जाएगा। रिस्पॉन्स प्रॉपर होते ही मार्ग प्रकट हो जाएगा, रिस्पॉन्स की कमी भाई तो मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। आया ख्याल में, अपने नासिक के मंदिर में सौराष्ट्र से एक मुखिया जी गए, वह जमाना में वैसे चोंगा वाले फोन आते थे, तो उनको सौरा ऐसे नहीं, वो यों लटके रहते, यों चोंगा वाले माइक के जैसे, अचानक फोन आयो गांव से, तो वानी कि हमें कई रीते फोन करो, तो सबन ने वाकू कही कि भाई घबरा नहीं, जाइने हलो कह जाए ना कर जाए, तो वानी कही ठीक है जाइए, उठा के वानी कही हलो, तो वाकू भाई के टेलीफोन को हलाना चाहिए, तो वानी कही हाँ हलाऊ छू बोलो, वाकू हलाना शुरू किया, वाकू समझ नहीं आई सामने वाले को, वानी कही फिर हलो कही, वानी कही अरे हला आ रहे हजू तो कहे हलो हलो कितनी वक्त हलाओ, बंद करके पाछा गए, रिस्पॉन्स की कमी हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग। वो क्या है कि अपन तो हलो के गुजराती में हलाओ के वाकु लगे कि टेलीफोन को हलाना चाहिए तब आवाज आएगी, तो ऐसे इम्प्रॉपर रिस्पॉन्स के कारण कभी कभी कम्युनिकेशन में गैप आ जावे, तो अपन के भी यही प्रॉब्लम हो रही है ना, कम्युनिकेशन में गैप हो रहा है ठाकुर जी से। वो कुछ और कह रहे हैं, महाप्रभु जी कुछ और कह रहे हैं, अपन कह रहे हैं हलाऊ चु बोलता जाओ। वाकू मुझे समझ नहीं आया कि क्या क्या कहे क्या रहे, तो हमने फिर से कह दी हलाओ, कह रहे हला भी रोचो तो हलाओ हलाओ कह चाहे बोल तो आगल बात नहीं, बंद करके आ गया नहीं बात करी, कहीं बोलता ज नहीं हलाओ हलाओ करे चाहे। तो ये बात समझो कि कम्युनिकेशन गैप हर वक्त याद तरीके क्यों है, तो अपनो जा वक्त या तरी से कम्युनिकेशन गैप हो जाए तो मार्ग अवरुद्ध हो जाए, और कम्युनिकेशन है तो बस तुरंत मार्ग खुल जाए। अक्सर आजकल ड्राइवर को मोबाइल दे दें ना, बड़ी भीड़ होए तो क्या हुआ, मोबाइल दे दें वो अपन ड्राइवर को कह दें भाई हम यहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े हो आ जाओ, कम्युनिकेशन हो गया तो ड्राइवर तुम तक पहुँच जाएगा, नेटवर्क काम करना बंद हो गया वो फिर तुम करते रहो ना हलाव हलाव करते रहो। कोई आएगा नहीं ड्राइवर, ये है। हाँ माइक ले, क्या मैं समझे नहीं तेरे प्रश्न ही नहीं समझा, थिंकिंग को जैसे आपने बताया कि वो महाप्रभु जी को है, फिर आपने फीलिंग्स को राजा जी को समझाया, फिर आपने अरे मैं समझ गया बात, देख बात समझ ध्यान सो, कि जब अपन वहां ये बात कह रहे हैं कि सेंसरी थिंकिंग, तो मतलब महाप्रभु जी और ठाकुर जी की सिंथेसाइज अपन कर रहे हैं। जब अपन यो कह रहे हैं कि इंट्यूटिव थिंकिंग, मतलब क्या कि महाप्रभु जी की और यमुना जी की सिंथेसाइज कर रहे हैं,
तवाष्टकम इदम मुदा पठति सूरसूते सदा समस्त दुरितक्षय भवति वै मुकुंदेरति तया सकल सिद्ध मुरलिपुष्ट संतुष्यति स्वभाव विजयो भवति वदति वल्लभ श्री। अरे सिंथेसाइज हो गई कि नहीं? जब अपन यूँ कह रहे हैं कि फीलिंग की और इंट्यूशन की, इंट्यूटिव फीलिंग है, तो यमुना जी और राधा जी की सिंथेसाइज हो रही है, सिंथेसिस हो रही है, मतलब आत्मरति की और कृपा की, जो निरंतर अपन ने इग्नोशियस लोयला और इन सब के बारे में हो कि तू कृपा कर और प्रेम भी कर, ऐसो प्रेम मत कर के जहाँ कृपा नहीं झलकती हो, ऐसी कृपा मत कर के जहाँ प्रेम नहीं झलकते हो। मुँह को जो चाहिए वो कैसे चाहिए कि तू कृपा भी कर और प्रेम भी कर, दोनों तरह की डिमांड जो कर रहे हैं ना, वो एग्जैक्टली वो राधा और यमुना जी की सिंथेसिस है कि नहीं? ऑन दैट साइड सेंसरी फीलिंग, तो तू समझ सके कि सिंथेसिस कौन की दुखी हो रही है, ठाकुर जी की और यमुना जी की। तो जब अपन ठाकुर जी की सेवा करें, हाँ फीलिंग, हाँ तो राधा स्वामी जी की, तो जब अपन स्वामी जी की और ठाकुर जी की सिंथेसाइज कर रहे हैं तो वो अपने को सेंसरी फीलिंग होगी। आ गया ख्याल में? यहाँ रखें कि और कुछ है प्रश्न? हाँ श्योर। खुशी भाई, अक्सर ग्रे एरिया को समझने में बहुत डिफिकल्टी हो, व्हाइट और ब्लैक को समझना बहुत इजी है। अब देख, यहां एज सच प्रमाण प्रमेय साधन फल को इतना इश्यू नहीं है। अपन ने जो वो चार्ट बनाया ना, वहां में जैसे इनके ग्रे एरिया हैं, ऐसे बिटवीन प्रमाण और प्रमेय, प्रमाण प्रमेय को ग्रे एरिया है, ऐसे ही प्रमेय और साधन के बीच में प्रमेय और साधन को ग्रे एरिया है, और साधन और फल के बीच में साधन और फल को ग्रे एरिया है। तो वैसे चार हैं पर उनके ग्रे एरिया तीन होंगे, चार नहीं होंगे। साइक्लिकली देखेगा तो वो पाछो मिलेगा, अदरवाइज तो तीन होंगे। क्यों तीन होंगे वाको कारण समझ के, जैसे भागवत में एक बहुत अच्छो लगे शायद तो नारद जी को वचन है कि कौन को वचन है, ब्रह्मा जी को जाके वो कहें कि तुम प्रमाण हो, नारद जी कहें ना, हाँ कि तुम प्रमाण हो। व्यक्ति थोड़ी प्रमाण हुए, इंस्ट्रूमेंट प्रमाण हुए, ख्याल में हो? तो एक वहां इश्यू है कि व्यक्ति को इंस्ट्रूमेंटल यूज और इंस्ट्रूमेंट को व्यक्ति तरीके यूज, आया ना? तो वैसे भले एक बात समझ के महाप्रभु जी एक व्यक्ति हैं, पर पुष्टि मार्ग को समझने के लिए महाप्रभु जी एक अपना इंस्ट्रूमेंट है। हाँ सेवन परम मानव, गोपीनाथ जी कह रहे हैं वहां, अब वो उनको इंस्ट्रूमेंटल यूज वा को बता रहे हैं, साधनात्मक उपयोग। वैसे व्यक्ति है और कृष्णास्य के ढंग से सोचें तो आनंद परमानंद रूप फल रूप है, पर भाई वो जब जा तरह से कृष्ण के आनंद परमानंद को मजा लेना है तो महाप्रभु जी कृष्णास्य हैं, पर जब पुष्टि मार्ग को समझना है, भक्ति मार्ग को, तो महाप्रभु जी एक इंस्ट्रूमेंट भी है। आई ना बात? ये पॉइंट अपने कैसे समझ में आ सके कि जैसे सेवा करनी है तो गिरिराज जी जो है वो साक्षात कृष्ण है, और मंदिर बनाना है तो गिरिराज जी हरिदास है। अब हरिदास हैं कि हरि हैं? अरे भाई तुम सेवा कर रहे हो तो वो हरि हो गए, क्योंकि एक बात ध्यान समझो कि जितने भी ठाकुर जी हैं वो सब कोई कोई के पुष्ट किए भय हैं, गिरिराज जी पुष्ट ठाकुर जी ने किए हैं। आज कोई ठाकुर जी अपन पधरा में तो या तो अपन पुष्ट करें या बालक पुष्ट करें,
गिरिराज जी को कौन ने पुष्ट किया? ठाकुर जी ने पुष्ट किए। ठाकुर जी ने पुष्ट करके ब्रज भक्तन को सेवा के रूप में पधरा के करो सेवा, तो ठाकुर जी के पुष्ट किए भाई ठाकुर जी हैं, पर वो टू इन वन है। ठाकुर जी के पुष्ट किए भाई ठाकुर जी भी हैं, और ठाकुर जी ने उनको पुष्ट करने, पुष्ट होने की आज्ञा दी और वो आज्ञा उनने शिरोधार्य करी, वास्तव में हरि के दास भी हैं। वही फ्रेम यमुना जी की भी है, को कृष्ण समान भी हैं और कृष्ण की प्रिया भी हैं, तो वो टू इन वन है। एग्जैक्टली वात अरसु प्रमाण कोई बखत जो है वो इंस्ट्रूमेंट हो जाए है, कोई बखत प्रमाण पर्सन भी हो जाए है, तो जा बखत प्रमाण खुद प्रमेय बन जाए है, प्रमेय खुद प्रमाण बन जाए है, प्रमाण भी खुद प्रमेय बन जाए है। सर्वनिर्णय प्रकरण में या लिए महाप्रभु जी ने शब्द को दो तरह से विचार किया है, शब्द प्रमाण की कैपेसिटी में और शब्द प्रमेय की कैपेसिटी में। बात ध्यान से समझ, जैसे अपन यो कहें कि महाप्रभु जी कृष्ण के मुखारविंद को अवतार है, एक वचन इनटू इन्वर्टेड कॉमा, महाप्रभु जी श्री कृष्ण के मुखारविंद को अवतार है इनटू इन्वर्टेड कॉमा। अब जो श्री कृष्णास्यम को अर्थ है, अब यदि तुम ध्यान धर रहे हो ना या तरह से महाप्रभु जी को, तो प्रमेय है वो, और समझना चाह रहे हो तो ये वचन जो है प्रमाण है। जावकत सर्वोत्तम को श्री कृष्णास्याय नमः, श्री कृष्णास्याय नमः ऐसी तुम माला फेरो, वह वक्त वो प्रमाण नहीं है, प्रमेय हो गयो, नामात्मक प्रमेय हो गयो। जब वक्त तुम समझना चाह रहे हो कि महाप्रभु जी आनंद परमानंद क्यों हैं, क्योंकि कृष्ण के मुखारविंद रूप हैं, तो वो प्रमाण हो गयो। कृष्ण के आनंद परमानंद रूपता को समझने के लिए महाप्रभु जी मुखारविंद रूप हैं। कोई को भी आनंद परमानंद अपने को सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ समझ में आवे, फेस पे समझ में आवे। कोई बहुत कुशल पारखी हो ना, वो हाथ देख के पहचान सके कि व्यक्ति प्रसन्न है के हस्तरेखा नहीं हो, हाथ के जेस्चर पोज हो, बाकी तो कौन को समझ में आ सके। फेस देख के तो सब कुछ समझ में आवे कि प्रसन्न है कि अप्रसन्न है। तो कृष्ण को जो परमानंद है, कृष्ण को जो आनंद रूपता है, वो महाप्रभु जी को देख के समझ में आवे है, वह अर्थ में महाप्रभु जी प्रमाण है। आनंद परमानंद रूप समझना है, और कृष्णास्य के रूप में देख रहे हो तो प्रमेय है। आयो और क्या पूछी तेने? वो फ्राइडियन साइकोलॉजी में है, जुंगियन साइकोलॉजी में सबकॉन्शियस को कोई रोल नहीं है। वाकई यहाँ ईगो, कॉन्शियस, पर्सनल अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस जाके साथ अपन कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर सकें, और नॉन कम्युनिकेटिंग कलेक्टिव कॉन्शियस, ऑलमोस्ट बीज भाव के लेवल की, ऐसे वहाँ सबकॉन्शियस को वहाँ नहीं रोल है। यहाँ रखें, दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, साधन और नहीं या कलि में जासो हो ये निवेरो, सूर कहा कहे
विविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ न चरण के। देख एक बात समझ, तेरी आंख को तू कांच में देख, आंख प्रमाण भी है प्रमेय भी है। तेरी आंख को तू कांच में देख, आंख के दोनों रोल तो को पता चल जाएंगे कि आंख प्रमेय भी है, क्योंकि तू देख रहे हो है काय को देख रहे हो है? तेरी आंख को तो प्रमेय है, काय सु देख रहे हो है? आंख सु तो प्रमाण है।